उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ उसकी शुरुआत 2011 में हुई जब 22 साल महवेश की शादी हुई। हर लड़की का अरमान होता है कि उसकी ऐसे शख्स से शादी हो जो उसको खुश रखे, उसको समझ सके, उसके दुख सुख में उसका साथ दे सके। महवेश ने भी ऐसे ही सपने देखे थे और क्यों ना देखती, हर लड़की का अरमान होता है कि वो अच्छी सुकून दे जिंदगी गुजारे। लेकिन महवेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। महवेश की कहानी क्या है आइए चलकर देखते। ये कहानी है कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहने वाले नए शादीशुदा जोड़े की। अब्दुल वहीद साहब जो के शादी से पहले कार चोबी का काम करते थे। इनकी शादी को अभी कुछ ही माह गुजरे थे। महवेश को फिकर लाहक है कि आखिर मेरा शौहर काम पर क्यों नहीं जा रहा। शादी को 3 महीने हो गए, आखिर कब जाएंगे आप काम पर? अरे कर लूंगा, जल्दी क्या है? कौन सा मेरी वजह से दुकान बंद हो जाएगी? मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, उस्ताद कोई और कारीगर रख लेगा। शादी से पहले तो आप रात दिन काम पर रहते थे, मगर अब क्या हो गया आपको? जाके चाय बना मेरे लिए। और बात सुन, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी तू? बातें करती है, मुझे सिखाएगी काम पे कैसे जाना है, काम पे जाना है। जी नाज़रीन, महवेश के साथ शादी के बाद क्या मसाइल पेश आए, थोड़ी सी झलकियाँ थी उस चीज़ की, लेकिन महवेश से हम खुद पूछेंगे क्योंकि महवेश आज हमारे साथ मौजूद है अपनी अम्मी के साथ। उसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले अपने के मोहतरम गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी, हमारा पैनल जो कि हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस केस को कहीं सुलझा सकें, कोई मदद कर सकें। हम नहीं तो जो हमें देख रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा जो इनकी मदद कर सके। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी हमारी चमा फैमिली की मेंबर आदाब। आज कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौसर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक ठाक। हमारे साथ जुनैद भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मिस हुमा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज का जो केस है और आज की जो कहानी है वो मैंने भी समझनी है कि हर दूसरे घर में ये मसले मसाइल हो रहे हैं कि जो औरत होती है उसके साथ जुल्म किया जाता है, वो सोच के कुछ और जाती है कि शादी होने के बाद मेरे अब दिन अच्छे होंगे या मेरा एक साथी होगा जो मुझे समझ सकेगा या जो मुझे संभाल सकेगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होता। ज़्यादातर इस तरह
ये चीज़ें जो हैं वो इतनी बढ़ क्यों गई हैं कि ज़्यादातर हमारे पास ऐसे केसेस क्यों आते हैं जिनकी शादियाँ इतनी लंबी देर तक नहीं चल पाती हैं? ऐसा क्यों है, हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? जो भी कोई जल्दबाजी के फैसले होते हैं और स्पेशली प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने जैसे सर पूछ रही थी कुछ थोड़ी बहुत, अभी मुझे भी डिटेल नहीं पता, तो महविश की वालिदा ने बताया कि इनके अपने 7 बच्चे हैं। आप पे प्रेशर होता है कि बच्चों की शादियां करनी, अपनी लाइफ टाइम में आप उनको सेटल देख लें, तो फिर कहीं पर मेरा ख्याल में आप कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि रिश्ता आया आपने बहुत। इसमें अरेंज मैरिज और लव मैरिज कभी होता है कि अरेंज चल जाती हैं या लव नहीं चलती, या लव चल जाती हैं अरेंज मैरिजेज नहीं चलती? जुनेद भाई आप कुछ बताएंगे इस बारे में? असल में कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि अरेंज मैरिजेज जो हैं वो बहुत कामयाब होती हैं, बहुत सी जगह ये देखा गया है कि बहुत नाकाम हो जाती हैं, बहुत सी जगह ये देखा गया कि लव मैरिजेस बड़ी कामयाब होती हैं, कई जगहों पे लव मैरिजेस नाकाम हो जाती हैं। बात ये है कि देखें, ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। जब आप उन नॉर्म्स को समझ लेते हैं, उन बाउंड्री वॉल्स को समझ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ओन करना शुरू कर देते हैं, आपको ये मालूम होता है कि आपका हक क्या है या आपका फ़र्ज़ क्या है, दोनों चीज़ें हैं ना। ठीक, जब आप इस फ़र्क को समझ लेते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर जब आप शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बनने जा रहे होते हैं, तो जब आपके जहन में ये बात होती है कि एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, तो साथ साथ ये भी जहन में होनी चाहिए कि ये दो लोगों का मिलाप नहीं है बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, क्योंकि ये दो तहजीबों का मिलाप होता है, दो इकदार का मिलाप होता है, दो कल्चर्स का मिलाप होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ शादी हो रही है वहाँ एक ही माइंड सेट के लोग हों, या एक ही तरह के लोग हों, या एक ही आइडियोलॉजी के लोग हों, या एक ही स्टेटस के लोग हों। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की वाले अनपढ़ हैं, लड़के वाले बहुत पढ़े लिखे। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के वाले बहुत पढ़े लिखे और लड़की वाले अनपढ़ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फैमिली बड़ी गरीब है, एक फैमिली बहुत अमीर है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है स्टेटस दोनों का सेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मेंटालिटी आपस में जो है वो बड़ी क्लैश कर रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है, बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है कि जहनी हमांगी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना? ठीक, ये सारी ये इसी बात से हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि महविश यहाँ मौजूद है, उनकी अम्मी भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि आंटी, महविश की अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज जी। आप लोगों ने लड़का ढूंढा था? आप लोगों के खानदान का कोई लड़का है? नहीं नहीं, रिश्ता कराने वाले ने कराया था। अच्छा, क्या नाम है इनके हस्बैंड का? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद जी। नौकरी छूट चुकी थी इनकी? नौकरी थी नहीं, ये कार। अच्छा, थी नहीं, तो फिर आपने शादी कैसे की हुई? काम, तो माँ बाप देखते हैं ना ये सारी चीजें। काम करता था, बोले अपना कारखाना है इसका, ये काम करवाता है, ये वो, इस तरह करके इन लोगों ने बातें की थी। इसकी बहन आई थी रिश्ता लेकर। अच्छा जी, वो रिश्ता लेके आई थी। और किस तरह जानते थे इनसे? कोई बीच में कोई बंदा था जिसके थ्रू आया था? रिश्ता कराने वाली ने। रिश्ता कराने वाली, तो आप लोगों ने देखा था कि कहाँ रहते हैं, कौन सी फैमिली है? क्योंकि ये सारी चीजें तो बड़ी जरूरी होती है ना, कि आप अपनी जब बेटी दे रहे होते हैं तो माँ बाप ये सारी चीजें देखते हैं। समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी में हो गया है, लोग रिश्ता लेकर आए, मुझे खुद सोचने का टाइम ही नहीं मिला। इतनी जल्दी जल्दी मचाई उन लोगों ने, बस कर दो, अच्छा है लड़का, ये है वो है। थोड़ा सा मैं मसले मसाइल में भी थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता था। अच्छा, वो जो उन्होंने बताया कि वो कारोबार करते हैं फैक्ट्री में कहीं, तो कारखाना था, कारखाना था, वो जॉब करते हैं, तो वाकई वो जॉब करते थे? कारखाना दिखाया था उन लोगों ने, मगर वो उनका नहीं था, उनका सब ने झूठ बोला, हाँ ये इनका अपना कारखाना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहूँगी जी, बात ये होती है कि जब आपके इतने सारे बच्चे हैं तो आप हर बच्चे को एक इंडिविजुअल लें। आप ये ना देखें कि अगर एक बच्ची है ठीक है, बहुत अच्छा खानदान या कोई आपको लश्कारा दिख जाता है सामने, क्योंकि जब आएंगे शादी के रिश्ता जब प्रपोज करता है तो अच्छी अच्छी बातें तो वैसे ही हो रही होती है। इसकी दूसरी शादी है ना? किसकी को दिया जाए? महविश की दूसरी शादी है। दूसरी शादी है, उसमें उन्होंने पहली शादी कब हुई और कैसे हुई और वो क्यों नहीं चली? बस वो जब 18 साल की थी जब हुई थी इसकी शादी, इसका दिमाग ही बचपना था, बस वहाँ से मेरे ससुराल वालों की तरफ से कुछ ऐसा हुआ। उसकी वो शादी आपके ससुराल वालों में हुई थी जी? तो खानदान में हुई थी जी। आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से ना ये वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह सकी, 3 महीने में, मतलब 3 से 4 महीने में उसका फैसला, ये 1 महीना भी नहीं रही वहाँ पर, ये रहने ही नहीं चाह रही थी। बस बचपना था, बहुत छोटी थी, मैंने शादी कर दी थी इसकी, बस ये आके बैठ गई थी घर में, फिर फैसला हो गया, हमने खुद ही ले लिया था इसकी, एक जाना ही नहीं है वहाँ। फिर ये दूसरी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, और बच्चियों की भी करनी थी मुझे, उनके भी रिश्ते। तो आपने ये सोच के इनकी शादी की कि ये भी हो जाता कि एक जब बच्ची घर में बैठी हो
तो माँ को होता है कि चलो दूसरी शादी कर और स्पेशली क्योंकि दूसरी शादी है बेटियां भी मौजूद है तो रिश्ते आए ना आए फिर तो बगैर देखे समझे ये सोच नहीं होनी चाहिए बेटियां जो है बोझ नहीं होती बिल्कुल आप देखभाल के समझ के दें ताकि आज जो आप चैनल पे बैठकर दुनिया आपको देख रही है और ये चीज हो रही है ये चीज किसी और की बेटी के साथ ना हो तो दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन दिस इज व्हाट आई विल से इसमें बीच के लोग जो इन्वॉल्वड हैं खाली उनको इतना ना ब्लेम करें बेचारी इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई हुई है अकेले अच्छा इनके आपके हस्बैंड की अकेले वो बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी संभाल रही है जो बीच के लोग इन्वॉल्वड हैं जिन्होंने रिश्ता कराने वाली खातून उनको कुछ हमारे गुजारिश होगी जी पहले इनका पूरा केस सुने exactly. असल में हमने बीच से बात चक ली वो बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी और आपदा साहबा का बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि देखें कोई शख्स इतना टूट के जब किसी जगह पे आके बैठता है ना तो हम बैठ के तबसरा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल बड़ी 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 बातें कर सकते हैं कि साहब ये क्यों नहीं किया और ये क्यों नहीं किया जिस पे तूफान बपा होता है ना उसको पता होता है कि उसके पैरों तले जो है कितनी जमीन निकल जाती है सही बात हमारे पास एक कॉलर भी है अस्सलाम वालेकुम फिजा कराची से फिजा लाहौर से अस्सलाम वालेकुम जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ कैसी फिजा मैं ठीक ठाक हूँ आज का टॉपिक तो वाकई बहुत अफसोसनाक है देखिए वालदैन अपने बच्चों को पालते हैं बल्कि खासतौर पर लड़कियों के लिए इस मामले में माँ का दिल तो बहुत ही सेंसिटिव होता है वो चाहती है कि मैं अपनी बेटी को दुनिया की हर नेमत से उसे नवाजूं आगे जो नसीब है ना उसका वो बस उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है और अल्लाह बेहतर जाने जो आगे से धोखा करने वाले लोग हैं उनको ये बात भूल जाती है कि उनकी भी औलाद होगी उनके भी आगे बहनें होंगी उनका भी खानदान होगा उनके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर ये चीज सोचे तो किसी की माँ की बेटी जो है ना कभी दुखी ना हो मुझे तो ये अफसोस हुआ इसकी बात सुन के कि देखो धोखे से शादी कर दी फिर उसने कमाना छोड़ दिया और सारा बोझ इस बच्ची पे आ गया और ये बच्ची क्या करेगी अभी पूरी लाइफ अभी पड़ी हुई है इसके लिए बिल्कुल 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 सही कह रही हैं हमारी कोशिश यही है कि आज हम जो है इसकी इसकी गहरी बात तक पहुँचे और पता कर गहराई में जाएं और पता करें कि एग्जैक्टली हुआ क्या जैसे कि अभी पता चला है कि दूसरी शादी थी तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि महविश की ज़िंदगी में कुछ अरसे बाद कुछ खुशियाँ तो आईं लेकिन कुछ अलग ढंग से हुआ क्या आइए चलकर देखते हैं ताकि फिर हम इस आगे बढ़ सकेंगे और देख सकेंगे मालूम कर सकेंगे कि हुआ क्या शादी के 9 माह बाद भी अब्दुल वहीद ने कोई काम शुरू नहीं किया महविश को अपने माँ बाप की पसंद से शादी करने का ऐसा सिला मिलना था ये इसने खुद भी कभी कभी नहीं सोचा था अली इधर आओ कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में अम्मी ने भेजा था चीनी लेने अगर आपके पास है तो दे दें बेटा चीनी तो ख़त्म हो गई है अच्छा अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना अरे रुको वो उनको देखा है कहीं हाँ पीछे गली में ही रोज बैठते हैं वहीं पर होंगे अच्छा मुझे ले जा सकते हो हाँ हाँ Thank you.
महेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा कि आपको कब पता चला कि आपका शौहर नौकरी नहीं करता और जो नशा चल रहा था इसमें मुब्तला कॉमन वो है। कुछ अरसे बाद ही पता चली होगी, जब हादी की पैदाइश से पहले 2 महीने के बाद। हादी की पैदाइश से पहले कितना अरसा? हादी की मेरी शादी के 2-3 महीने बाद ही पता चल गया था। अच्छा, आपको शादी के 2-3 महीने बाद ही पता चल गया था, लेकिन नहीं ये तो पता था आपको कि उन्होंने नौकरी नहीं करते, तो घर कैसे चलता था आपका? मैं नंदों के साथ रहती थी अपनी। नंदों के साथ रहती थी तो वो चलाती थी घर, तो घर का खर्चा वहीं से आता था। लेकिन आपको पता था कि आपकी जिंदगी में तो अब एक औलाद भी आने वाली है, तब भी कोई आपने एक्शन नहीं लिया या माँ बाप को नहीं बताया? अपनी अम्मी अब्बू को बताया नहीं था कि अम्मी परेशान रहती हैं, अब्बू को भी कभी नहीं बताया। तो क्या सोचा था कि किस तरह पालेंगे, किस तरह परवरिश करेंगे एक मैं बच्चे समझाती की? थी उन्हें, उन्हें शायद समझ जाएंगे, तो उन्होंने मेरे आगे। अच्छा महेश, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके शौहर आपसे प्यार करते थे? नहीं पता नहीं मुझे। कितना उम्र में कितना फर्क था आपके और उनके मियाँ की उम्र में? 6 साल का। 5-6 साल का। और बच्ची आपकी पढ़ी लिखी है, इसको कोई पढ़ाया? मैट्रिक किया। अभी बता रही थी अब्बा भी है, अभी कह रही थी अब्बा को 3 साल पहले वफात। मेरी शादी पे अब्बा जिंदा थे, शादी के बाद थे। तो उसका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? मारपीट करते थे, लड़ाई करते थे, काम पे जाने का बोलती थी। मुझे ये बताएं कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया कि आपको जो पता चला कि आपका दिमाग जो है वो नशा करता है? हाँ, मैंने पूछा, मैंने बताया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहे नहीं कुछ भी नहीं करता। 4 महीने बाद तो उन्होंने इसको घर से ही निकाल दिया मारपीट के। इसकी नंदों ने ना इस पर चोरियों के इल्ज़ाम लगाने लगी, ये चोरियाँ करती है, ये करती है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जब ये प्रेग्नेंट थी तब? जी, तभी घर से निकाल दिया। जब भी निकाल दिया था, इसका शौहर खुद लेकर आया मेरे पास, अम्मी इसको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लो, फिर मैं घर ले लूंगा। निकाला या लेकर आया? निकाला, दोनों को धक्के देके निकाला। मैं प्रेग्नेंट थी। अच्छा, नंदू ने घर उनका था, खर्चा उनका था, तो दोनों को निकाल दिया। मियाँ बीवी दोनों आपके घर है? जी, हमारे घर। ठीक है, तो मैंने कहा मारपीट था कौन था? नंदे मारती थी? नंदे, नंदों ने ये छुपाया वो छुपाया, खाने की चीजें छुपानी शुरू कर दी, खाना पीना इसका बंद कर दिया, ये कमाता नहीं है, ये लोग हमारी रोटियाँ खा रहे। फिर ये लेकर आया मेरे पास, मैंने बोला भाई रह लो यहाँ पर, मैंने बोला तुम घर का बंदोबस्त कर लो कहीं। वो घर ढूंढने लगा, फिर उसने खुदा की बस्ती में घर लिया, वहाँ पर ना पानी था ना गैस था ना कुछ भी नहीं था। ये लोग वहाँ पर रहे कितने महीने रहे थे? 6-7 महीने वहाँ पर रहे, उसकी तबीयत सही नहीं थी। मैंने इसके अब्बू का इंतकाल हो गया, किसी घर आने के बाद अब्बू का इंतकाल हुआ है, ये आई तो मैंने बुला लिया, उससे पहले ही हो गया था इंतकाल। हाँ पहले ही हो गया था इंतकाल, पहले ही हो गया था। मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ना, अब आए दिन ये फ़ोन करती है अम्मी मेरे पास खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला यहीं आ जाओ, एक साथ ही रोटी खा लेंगे बैठ के। पहले मैं देती थी इसको पैसे वगैरह। आप क्या करती हैं जी? आपका कौन कमाने वाला है? काम करती। काम करती जी। कितनी औलादें हैं टोटल आपकी? 7 बच्चे। बाकी बच्चों की शादी हो गई? 3 बच्चों की शादी। मतलब लड़के लड़कियां मिला के साथ है? जी। लड़के कितने? लड़के 3 हैं। क्या करते हैं? लड़के छोटे हैं। छोटे जी, एक काम करता है, 2 पढ़ रहे हैं। बेटियां बड़ी हैं? तीनों बेटियों की शादियां हो गई। मुझे मैम, तीनों की शादियां? तीनों की शादी। आपसे सवाल ये करना है की क्योंकि नशे की बात हो रही है, क्योंकि जब नशे की लत लग जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे उसमें एक बंदा क्या करे या किस तरह समझाए या किस तरह छुड़ाने की कोशिश करे, स्पेशली अगर आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला हो? देखिए ना, जो ये स्टोरी है हमारे सामने, जो ये कहानी है, ये तकरीबन जो ऐसे पसमानदा इलाके हैं उनमें शायद हर दूसरे घर की हो, कि यहाँ पे ये था कि लड़की की जिम्मेदारी को पूरा कर दें, घर वालों ने ये तवज्जो नहीं दी कि उसका इलाज कराएं। होना तो ये चाहिए था कि कोई पढ़ा लिखा ख़ानदान होता तो कम से कम वो ये बताते, लेकिन इस माहौल में हम ये देखते हैं कि एक तो झूठ, मकर, फरेब, ये सारा शायद कहीं ना कहीं साथ चलता रहता है अपनी उन खामियों को छुपाने के लिए। अब हुआ ये कि ज़ाहिर घर वालों ने भी उस लड़के के उस कमज़ोरी को साथ मिल के, इससे कि बीवी के साथ मिल के उसको ठीक रास्ते पर लेकर आए, उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया।
इसका मतलब ये है कि एक तरह से तो उन्होंने अपने भाई की सपोर्ट ही की कि वो चाहे नशा करे कमाए ना, लेकिन जो तशद्दुद है उसका जो रास्ता बना वो लड़की की तरफ उसका रुख हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि जी एक प्रेग्नेंट औरत को घर से निकाल दिया, माँ खुद अफोर्ड नहीं कर सकती है, तभी उसने कोशिश की कि लड़की अपने घर जाए। ऐसी शादियाँ और इस किस्म के वाक़ जो मुझे यकीन है कि इसकी लड़की की ज़िंदगी में आगे भी परेशानियाँ और बढ़ती रही होंगी, वो इसीलिए कि जो सोशल इश्यूज़ हैं हमारे ना, इनको हम कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लड़की है खुद अपने मसाइल को हल करे। क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं, क्यों नहीं हम ये आँख छुपाना, आप समझे आँख बंद कर देना उन मसाइल की तरफ से जो किसी सूरत आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कि इस जो हम ये टेम्प्ररी तरीके होते हैं एडहॉकिज्म, इस पर तो मसाइल नहीं ख़त्म होते, हमारे मसाइल सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, वो हमने खुद पैदा किए होते हैं। हमें अब छोटी सी इनकी अभी मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, इन्होंने खुद कितनी मुश्किलात देखी, सात बच्चे, हस्बैंड होने के बावजूद आजकल के दौर में सात बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हम सबकी नौकरियां आज होती हैं कल नहीं होती, सब पे कर्जे चढ़े होते हैं। आपने जिस तरह से अपने बच्चे पाले, कम अज़ कम इनको समझाना चाहिए था कि फैमिली कुछ सोच के प्लान करें, शादी भी आपने वो, फिर बच्चे बोझ लगने शुरू हो जाते हैं बगैर सोचे समझे, कुछ देखभाल किए बगैर इसकी आगे आपने शादी करा दी। इसको कम से कम पढ़ाना चाहिए था कि ये पहले अपने पाँव पे तो खड़ी होती, और एक दफ़ा धचका लग चुका, एक शादी कामयाब नहीं, उसके बाद अपने पाँव पे जब तक इंसान खुद नहीं खड़ा होता, अपनी ज़िम्मेदारी जब तक आप खुद नहीं उठा सकते, आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई दूसरा इंसान आके आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा, कोई दूसरा आपके मसले का हल ढूंढेगा। लड़की है तो क्या हुआ, आज भी आप देखें बुरा वक्त आ रहा है, यहां कहना चाहूंगी खुद पाल रही हैं बच्चे। देखिए मतलब माशाल्लाह लड़की है, कोई आजकल के जमाने में लड़की हो लड़का हो, मैं नहीं समझती कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर पढ़ाया नहीं, एटलीस्ट आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम सिखा देती ताकि उससे ये कि एटलीस्ट इतनी गरीबी तो नहीं होती कि खाने के पैसे नहीं होते। बिल्कुल जुनैद भाई आपको सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा काटना पड़ेगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। हम ब्रेक पे आके आपसे बात करेंगे और देखेंगे आगे क्या हुआ। ब्रेक प्लीज। नशा खुशियों का दुश्मन होता है। जुनैद भाई आप कुछ बोल रहे थे। मैं असल में ब्रेक से कबल ही अर्ज कर रहा था, बातें इंतहाई दुरुस्त हैं जो अब्दा साहिबा कर रही थी और गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन एक कौसर साहिबा ने जो बातें कही, बुखारी साहिबा ने कही, लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है ना, देखें अब जब आप किसी केस को जज कर रहे होते हैं, आप इधर बैठे होते हैं, इस बात का ख्याल रखें और केस आपके सामने होता है, जिस आग की तपिश को वो महसूस कर रहे होते हैं ना, उस आग की तपिश को महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिस गर्मी को, नहीं बंद हो रहा, जिस गर्मी को, जिस हिद्दत को, जिस शिद्दत को वो महसूस कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, गुजर चुके होते हैं। सही। आपको नहीं पता होता, आप बैठ के अरे उनको एक अच्छी बुरी बात कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। कोई माँ दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी के लिए गलत फैसला करना ही नहीं चाहती। माँ तो माँ है, कोई माँ चाहती। देखिए ये जुमले मैंने अदा किए वहां से आंसू निकल आए, मुझे पता है ना कयामत गुजर जाती है माँ के ऊपर। कोई बात नहीं बेटा, बहुत जिंदगी पड़ी और चीजें सब। मेरी बात आप समझ रही हैं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसको जरा सुनिएगा तवज्जो से। अभी मैंने सिर्फ ये जुमले अदा किए हैं और वो बेटी के जो है उसके अंदर जो मोहब्बत का जो समुंदर था ना वो बाहर आना शुरू हो गया। देखिए माँ जो है ना, माँ अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की मिसाल माँ की मोहब्बत पे रख के दी है कि मैं माँओं से 70 गुना ज्यादा चाहता हूँ। दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने कलेजे के टुकड़े के लिए जन्नत दुनिया में ना चाहती हो। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जब अपनी बेटी को विदा करूँ तो इस एहतमाम से और इस शान से करूँ, चाहे मेरे पास पैसा ना हो, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मेरे पास खाने को ना हो, लेकिन मेरी बेटी जो है वो मलिका की तरह रहे, शहजादी की तरह रहे, वो फूले फले, उसकी नस्लें जो है वो हमेशा आबाद रहें, शाद रहें। अब हुआ क्या है मैं आपको बताऊँ। देखें ये कहना बहुत अच्छा है कि हमने अपने बोझ को फौरन उतार दिया, जल्दी में फैसला कर लिया। जरा उन बेटियों से जाके या उन माओं से जाके पूछें जिनके घरों में छः छः सात सात बेटियाँ होती हैं और उस औरत को अपनी जिंदगी का खौफ होता है कि पता नहीं कब मेरी आंख बंद हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि ये जालिम समाज जो है जिसके अंदर इंसान नहीं जानवर रहते हैं, रात के किसी पहर मेरी बेटियों को आके भंबोड़ के ना चले जाएं,
तो वो बेचारी फौरन उजलत में फैसला कर रही होती है कि बस मैं जिम्मेदारी को निपटा दूं, अपनी बेटियों को उनके घर कर दूं, बस वो घर चली जाए ताकि कम से कम मेरे मरने से पहले मैं देख लूं कि वो अपने घर को पहुंच गई हैं। ये इस समाज की हकीकत है मुमल, इस समाज की हकीकत है। अब हम ये कहें कि साहब इंतजार करते, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते, अरे उससे पूछो जिसके अंदर कयामत गुजर गई है, जिसके घर में कयामत गुजर गई है। भाई एक्चुअली इसको पता है, आपकी बात काटती हूं सॉरी, लेकिन इस सारी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे ये एक अकलौती ऐसा केस नहीं, ऐसा केस नहीं सही। अच्छा, इनको देखने वाली बहुत सी फैमिलीज जहां हम इनके मसले का हल निकालेंगे और इंशाल्लाह मसला जरूर हल होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो इस वाली सिचुएशन में और लोग हैं, मैं कह रही कि एक उन्होंने लाइफ टाइम गुजारी उस खातून ने, 7 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले निभाई, उनको तो डिवोर्स नहीं हुई, वो तो बेवा हुई बेचारी, लेकिन उनको निभानी पड़ी है वो जिम्मेदारी। अगली नस्ल को उस नस्ल से बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए थी और ये माँ को तरबियत देनी चाहिए थी कि शादी मसलों का हल नहीं होता, बच्चे बगैर प्लानिंग के और बगैर ज़रूरत के, और जब तक आप अफोर्ड ना कर सको एकदम से औलाद दुनिया में ले आना, वो भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपकी शादी चल जाएगी अगर आप फौरन बच्चे पैदा कर। अच्छी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये तो हम बड़ी बेसिक चीजें अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। देखिए इस फैमिली के साथ तो एक मसला गुजर गया पूरा केस। हाँ। तो अभी तक के केस की हम प्रॉब्लम आ अच्छा, एक बात बताओ तो बड़ी अहम बात है जो मैं कह रहा था कि हम ब्लैक कर रहे हैं, वो बड़ी अहम है। देखिए उस पर गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए, उस पर इनको समझाना चाहिए, और ये इनको समझाने से मुराद ये कि इनके साथ तो तूफान मतलब गुजर चुका है, जो देख रहे हैं उनको ये पता चल रहा है। देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, ये है कि ये जो आपा रहीमा जब आ जाती है ना वो बीच में वो क्या रिश्ते कराने के लिए वो जो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाती है वो चंद टकों के एवज जो है उनकी 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 क्या कमीशन होता है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपए केस के ऊपर। वो भी बेचारी इन जैसी खवातीन जो है वो किस तरह से करती होंगी मैं समझ सकता हूँ, मैंने बड़े केस ऐसे देखे हैं, मैं बड़े केस भुगता है ऐसे मैंने, ये बेचारी किसी से कर्ज करके इन्होंने दिए होंगे उसको पैसे कि ठीक है एक अच्छा खुदा का वास्ता रिश्ता करा दो ताकि कम से कम मेरी बेटी अपने घर को हो जाए। अब हुआ क्या, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसने तो चंद टकों के एवज जो है बस एक काम कर दिया जी बहुत अच्छा है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा अच्छा खानदान है, जॉब करता है, ये करता है, वो करता है, झूठ का पुलंदा इनके सर डाला, इनकी तरफ इनकी इनके हैंड पे क्या गलती हुई मैं आपको बताऊं, और वो गलती मैं इसको गलती नहीं समझता, मैं इसको किसी और वे में देखता हूं, लेकिन इसका एहतमाम जरूर होना चाहिए। वो क्या कि इनको चाहिए था कि ये उसको स्क्रूटनाइज करती उस पूरे केस को, उसकी तहकीक करती कि वो लड़का जो है जिसका केस आया है, जिसका रिश्ता आया है, आया कि वो कहीं जॉब करता है कि नहीं करता। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने किया। मैं यहाँ पे कॉल भी लेना चाहूंगी, उन्होंने भी झूठ बोला कि इसकी फैक्ट्री है। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैंने कहा उजलत में कर लिया जी, बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अर्शद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहता हूँ बाजी के पहले उसकी तहकीक करना जरूरी है। वालदैन तो जानते हैं ना कि इसमें क्या रखा है शादी में, है ना? ठीक, बिल्कुल। और इसमें जिम्मेदारियां क्या हैं? ठीक। माँ को बेटी को बेटी से बात करनी चाहिए कि बेटी ऐसे जिंदगी बसर होती है, ये इसमें तकलीफें होती हैं, फिर बात करना मुश्किल होती है, हाँ जी, ये बहुत लंबा सफर है जिंदगी का। ये माँ को बेटी के साथ बात करनी चाहिए, बाप को बेटे के साथ करनी चाहिए, और मजहब के हिसाब से उनकी तहकीक करनी चाहिए कि वो कैसे लोग हैं, किस कटाकरी के लोग हैं, हमारी कटाकरी उससे मिलती है या नहीं मिलती, है जी? तो ऐसे में जब तहकीक हो जाती है, किसी चीज का मुआवजा कर लिया जाता है, तो फिर उसका मेरा ख्याल है कि मसला खराब नहीं होता। अच्छा, ठीक। मैं मतलब है इस्लाम से दूरी की बात है, ये बच्चे जो नाअहल होते हैं, है जी जी, उनको अगर मजहब के हिसाब से उनको दर्श दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मामला बहुत सारे जो है ना खराब नहीं होंगे। जी बहुत अच्छी बात की अर्शद भाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, देखिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, मंगनी के अंदर और शादी के अंदर थोड़ा सा वक्फा रखें जितने भी वालिदैन हैं। देखिए जो केस हो गया, जो इनके साथ हो गई ज्यादती, वो लोग देखें उन चीजों से। अब आप देखें अगर मंगनी के रखते और 3-4 महीने अगर बच्ची जो है घर जाती, एक अगर ड्रग एडिक्टेड बंदा है तो वो अपने ड्रग से दूर नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल आप लोग इन बच्ची को पता चल जाता कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है।
क्योंकि जब आप जो नहीं रखा गया ना और जल्दी जल्दी में जो हर चीज की गई वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है, उसमें लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। तहकीक नहीं कर सके, जब आप घर जाते ना आपको आइडिया हो जाता है कि उनका रहन सहन, उनका बात करने का तरीका, उनके घर का माहौल क्या है। मैं भी से पूछना चाहूंगी कि उसका रिलेशनशिप उसका उसके शौहर से कैसा था। मैविश, जब आपकी शादी हुई और जब आप घर गई तो आपसे बातें होती थी अपने पास्ट के बारे में, वो बात करते थे या आपसे अपने बारे में बात करते थे, या कोई इस नशे की कभी बात की आपसे कि मुझे ये आदत है मैं छोड़ना चाहता हूँ, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हुई तब के एक औलाद आ रही है ज़िंदगी में? नहीं, इस तरह से उन्होंने कभी भी बात नहीं, कभी भी नहीं, कभी इमोशनल कभी भी नहीं हुए वो, कभी उनके कभी लगा नहीं कि उनके दिल में भी कहीं है कि अच्छा मेरे मेरा बच्चा आ रहा है, चलो अगर तुमसे तुम्हें नहीं लगता हो तुमसे मोहब्बत करते, अगर तुमसे लगाव नहीं था, लेकिन तुम्हें कहीं ये लगा कि जब तुम प्रेग्नेंट हुई कि उनको खुशी है हुई कि मेरे इस दुनिया में मैं बाप बन जाऊंगा, मेरा इस दुनिया में बच्चा आ जाएगा, कभी हुआ, कभी उनकी खुशी ये जाहिर हुई तुम्हारे सामने? खुशी जाहिर तो हुई थी जब मैंने बताया था उन्हें, उन्होंने बहुत अच्छा सा रिएक्ट किया था जब मैंने उनको बताया था, मगर वो खुशी किसी और ही अंदाज में उन्होंने मेरे सामने जाहिर करी। कैसे? उन्होंने इसका मुझे बहुत ही अजीबोगरीब हल दिखाया था कि ये आ रहा है दुनिया में। अच्छा, लेकिन मुझे ये एक और चीज़ ये बताओ कि नहीं, मुझे ये बताओ कि जैसे अभी मेरी आंटी से बात हुई थी, बल्कि आपने पूछा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि आपके शौहर की पहली ये भी आपके शौहर की भी ये दूसरी शादी है, तो पहली शादी हो चुकी थी जी, ये आपको बात पता थी? ये बाद में बताई, बाद में शादी के बाद में बताई, आप लोगों ने बताई थी ये बात कि महेश की दूसरी शादी है, उस चीज से वो बिल्कुल ठीक थे? हाँ, उन्होंने बोला कोई नहीं, उन्होंने ये बात छुपाई अपनी शादी की, क्यों जब ऑलरेडी ये बात शायद हो सकता है उसके साथ भी कोई ज्यादती की होगी, ताकि अगर बात बता देते तो वो बात बाहर निकल आती। माँ बाप ज्यादातर ये भी चेक करते कि पहली शादी क्यों टूटी, लड़के वाले भी चेक करते हैं अगर लड़की के साथ ऐसा केस हो, और लड़की वाले भी चेक करते हैं, और लड़की वाले तो ज्यादा चेक करते हैं वो इसलिए कि लड़की अपनी बेटी किसी के घर भेजनी होती है। तो मैं समझती हूँ शायद एक बहुत बड़ा मसला यही होगा कि इन्होंने इसलिए नहीं बताया होगा कि बहुत सी बातें खुल के सामने आ जाएगी। उन्होंने भी ड्रग एडिक्शन की वजह से ही भेजे उसको वहाँ पर इलाज करवाए, नहीं तलाक नहीं हुई है। नहीं नहीं, एक और बात भी है, देखिए हम यहाँ पे किन मजालिम का जिक्र कर रहे हैं, एक तो ये कि लड़की की जल्दी शादी हो गई, उसे तलाक हो गई, उसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का जो था वो नशे ही था, नशे का आदी था, नंदे जो, ये हमें लग रहा है कि एक औरत पे जुल्म हो रहा है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी क्लास ऐसी है जो इतनी बेहसी का शिकार है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं कि ये कोई जुल्म है जो हो रहा है और जो वो दूसरों पे ढा रहे हैं। अब इस क्लास में जाके अगर पूछें तो वो कहेंगे कि नशा करता है तो क्या हुआ, मर्द है, घर है अपना, खाना खिलाएगा, छत देगा, तो कोई बात नहीं, लड़की दे दो। आप उनके मोहल्ले में पूछें तो हर दूसरा घर ऐसे किसी ना किसी मसले का शिकार होगा। यही मैम हुमा, मुझे आप ये बताएं कि हमारे मुआशरे में ऐसी सोच क्यों बन गई है? इसलिए बन गई है कि देखें वो तो एक जो जनरल हमारा एक रोना है कि तालीम का फुकदान, ठीक, दूसरे ये कि हमारी सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों में जकड़ी हुई है। आपका जो एक कास्ट है उसमें आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, आपको लड़की के लिए एक महदूद सोच के साथ आके बढ़ना है, लड़के के लिए आपने सोच लिया है कि जी वो कुछ भी है वो मर्द है और उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। जब तक इस प्रोग्राम का या जो इतनी मेहनत आपने अपने शो में की है, इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो अपनी दास्तान के साथ बैठी है, लाखों लोग सुन रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं है, हाँ, आसान नहीं है। असल में तो चेंज उनके अंदर आना है, हमारे इस डिस्कशन से, इन घंटों से अगर किसी और की जिंदगी बदल सके, इससे वो सबक सीख सकें, जरूरत इस बात की है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि असल हकीकत तो मैंने अभी तक आप लोगों को बिल्कुल वो तो हमें अंदाजा है कि इसकी जिंदगी आगे और मसाइल का शिकार रही होगी, इस बारे में बात कर सकेंगे। लेकिन महविश की क्या फरियाद है, हम देखना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। वहीद महविश को मारता है
और ऐसी नाजुक हालत में रहम खाए बगैर वहां से ले जाता है। मेविश की खता इतनी सी थी कि वो चाहती थी कि दुनिया में जो बच्चा आए वो उसकी अच्छी परवरिश करे, लेकिन वही ना तो काम पर जाता था और ना ही घर का खर्च उठाता था। बस एक काम वो पाबंदी से करने लगा, वो था नशा। ये क्या कर रहे हो तुम? पहले तो तुम घर से बाहर पीते थे, अब तुम घर में पी रहे हो। मेरी माँ इसलिए पैसे नहीं देती कि तुम फजूल की अयाशियां करते फिरो। 200 रुपए बचे हैं मेरे पास, कहां से लाऊं मैं पैसे? अरे तू मेरी बात सुन, इधर। अरे बात सुन, नाराज की होती है, इधर बैठ। अरे बैठ जा इधर इत्मीनान से। देख बात सुन, पैसे तो आ जाएंगे, पैसों का मसला नहीं है। कहां से आ जाएंगे पैसे? पैसे तो दरख्तों पे उगते हैं ना, तुम तोड़ कर लाओगे, पैसे आ जाएंगे। मेहनत मुशक्कत करो और पैसे कमाओ। मैं अपने बच्चों को हराम के पैसे नहीं खिलाऊंगी। अरे तो हलाल तरीका ही अपना लेंगे ना। देख बात सुन, मेरी बहन की औलाद नहीं है, मैंने बात कर ली है। हमारा जो बच्चा होगा ना, हम पैदा होने के बाद उसको दे देंगे। अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और हराम भी नहीं होगा। क्या नशा कर करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं, तुम उसे बेचने की बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुमसे घिन आने लग गई है। बुढ़वा कुछ सुनती ही नहीं है, समझती भी नहीं है, हलाल तरीके से समझा रहा हूं। और समझ दोनों ही साथ छोड़ देती है, और ये इसका जीता जागता सबूत है। अपनी औलाद को पैदा होने से पहले उसने बेचने का प्रोग्राम और पूरा प्लानिंग भी कर ली, किस तरह से और पैसा आ सके जिससे वो नशा कर सके। दिस इज लाइक वेरी कॉमन। और वही बात कि क्या वो ये समझ रहे हैं कि ये गलत है, वो नहीं समझ मुझे रहा। मैं तो अभी इस सोच में हूँ कि आप अपनी औलाद कुछ भी करने का, चले नशा हो गया, मार कूट हो गई, जुल्म हो गया, अपनी औलाद को बेचने का सोच। वो बहन भी कैसी है जो खरीदने को बैठी हुई है, मैं तो ये भी परेशान हूँ। मतलब इसमें समझ नहीं है, वो तो ड्रग एडिक्टेड नहीं है ना, उसमें तो समझ होनी चाहिए। वो तो समझाती, वो भी नहीं समझा रही है। आप देखिए, वो पैसा देने को तैयार है कि औलाद मुझे दे दो। बीमारी है ये, आप सोशियोपैथ होते हो, आप साइकोपैथ होते हो। जो लोग ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं उनके बहुत से ब्रेन सेल्स खत्म हो जाते हैं, आपके दिमाग की सोच के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, इसीलिए फिर आप क्रिमिनल्स बनते हैं कि आप में बेहिसी पैदा होनी शुरू होती है। और सबसे अफसोसनाक चीज़ ये, अभी कौसर साहिबा ने कहा कि रिहैब सेंटर्स हैं, गरीबों के लिए कोई रिहैब सेंटर्स नहीं है। ये इतना एक्सपेंसिव है, आम लोगों की पहुँच से दूर है नशे का इलाज करवाना भी। और मुझे खुद बड़ी क्यूरोसिटी होती है, बल्कि अगर नशा खरीदना भी तो एक्सपेंसिव है, ये कहाँ से पैसा ला के फिर नशा खरीदना? मैं वैसे जानना चाहूंगी कि उस दिन हुआ क्या और ये बात कैसे कही। ये मैंने काम पे जाने की उनसे बात करी थी कि इस तरह से कैसे अफोर्ड होगा हॉस्पिटल का खर्चा, मेरी दवाइयों का खर्चा, मेरी अम्मी कब तक। इस बात पर उन्होंने मुझसे बात करी थी कि बाजी ऐसे ऐसे बोल रही है, बाजी के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने पहले भी एक बेटा मेरे वहीद के बड़े भाई से लेके पाला, माशाल्लाह से 12 अच्छा। साल का है वो भी। अच्छा, तो हादी के पैदा होने से पहले ही उन्होंने मुझे भी बहुत प्यार से समझाया था कि दे देते हैं हम, मुझे दे दो, मैं इसकी बहुत अच्छी तरबियत करूँगी। अच्छा, उन मियाँ के बोलने से पहले आपको बता चुकी थी आपकी नंद? नहीं, मियाँ वहीद के बोलने, मैंने उनसे शिकायत करी कि देखें वहीद ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे, आपने ऐसी बात बोली उन्हें। ठीक, उसके बाद आपने बात की? उन्हें कहा चलो एक बार की है तो नशे में शायद कर ली होगी, तो आपने जाके उनसे बात की, तो क्या कहा आपकी नंद ने? कह रही मैं अच्छी तरबियत करूँगी तुम्हारे बच्चों की,
जो भी हो बेटा है बेटी जो भी हो मैं अच्छी तरबियत करूंगी। और ये बताया कि कितने पैसे दूंगी? नहीं तेरी मैं कारोबार बेचने वाली बात की आपसे कि मैं खरीद रही हूँ? नहीं ये बात नहीं करी। नहीं ये बात नहीं की। कह रही थी मैं कारोबार करा दूंगी तुम्हें घर ले दूंगी और भी जो तुम्हारे बच्चे अदरवाइज ये नहीं कि बच्चा होने वाला है तो मैं तुम्हें वैसे ही कारोबार करवा दे और थोड़ा सा भला कर दे अपने भाई का। देखिए भाई और बहन की जिंदगी इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ आगे बढ़ने से पहले कि जो नंद है आपने बताया कि ऑलरेडी उसके पास बच्चा था जो कि बड़े भाई का तो ऑलरेडी था ना तो ऐसी क्या उसको उनको ऐसी है दूसरा बच्चा भी दे दो किसी माँ की। चलो ना हाँ एक ही नंद है आपकी तीन नंदे हैं जो बाकी दो नंदे हैं वो उनके बच्चे हैं वो आप लोग के साथ रहती थी? जी मैं बड़ी बाजी के साथ रहती थी। आप बड़ी बाजी के साथ दो जो छोटी नंदे थी वो आपके साथ नहीं रहती थी वो अपने घर। अच्छा ठीक है तो आप बड़ी वाली के साथ रहती थी उनके बच्चे नहीं है और उन्होंने बड़ी बाजी के बच्चे हैं जो बाजी अस्मा है वो अलग रहती है उनके बच्चे नहीं उन्होंने बात की। नहीं मैं बड़ी बाजी के साथ रहती थी। अच्छा ठीक है तो उन्होंने आपसे बात की और उन्होंने ऑलरेडी एक बच्चा पाल रही थी अपने दूसरे बड़े भाई से का बच्चा जो लेके पाल रही थी जी। अच्छा उनसे कोई इसी तरह की कोई डीलिंग हुई भी थी कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है आपको आपने मालूम करने की कोशिश की? अच्छा उनका वो वाला भाई काम करता है कुछ या वो भी जी करते हैं थोड़ा एक चीज होती है मैंने यहाँ देखा है कि अगर माँ मर जाती है तो फिर बच्चा जो होता है वो बहन को दे दिया जाता है कि संभालो लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है अभी तक कि माँ जिंदा है और बाप बच्चे को बेचने की बात कर रहा है जस्ट बिकॉज ही वांट्स ही इज ड्रग एडिक्टेड और बहन भी खरीदने की बात कर रही है हालांकि कह दे कि मैं तुम्हें कारोबार में लगा देती हूँ। उसके बाद नानी का हक होता है बिल्कुल नानी या बहन जो भी है हमारे पास एक न्यूयॉर्क से कॉल है हम उनको लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी हमारे साथ कौन है? जी मैं शराफत बोल रहा हूँ। जी शराफत भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महवेश का तो मसला हल हो जाएगा उसका तो कोई उसकी तो कोई बात नहीं अलमिया तो हमारे ये जो मुल्क में हो रहा है जैसा कि अब महवेश का मसला है कोई एक नहीं है ये तो हजारों मसले हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो महवेश तो यहाँ आ गई है इसका मसला हम हल कर देंगे आज वो तो कोई मसला नहीं। कैसे करेंगे शराफत भाई आप बताएंगे कुछ? बेटा मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूँ मैं जो कुछ हेल्प कर सकूंगा सो मैं करूंगा कोई मसला नहीं है इस चीज का। अच्छा ठीक हम नंबर ले लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया शराफत साहब जिसके बारे में बात की बात कर रहे थे ना बहुत इम्पोर्टेंट बात है दो तीन बातें बड़ी अहम है। पहले तो ये समझ लें भूख और इफ्लास जो है या गुर्बत जो है वो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है और ये जो नशा है ना जब इंसान कोई नशा करता है तो वो सबसे पहले शेर की तरह दहाड़ता है उसके बाद वो लोमड़ी की तरह चालाकी दिखाता है और आखिर में वो खंजीर की तरह जो है ना बेहया और बेशरम हो जाया करता है। और एग्जैक्टली यही कैफियत जो है ना इनके शोहर के साथ है कि इंसान इस हद तक जो है फिर गिर जाता है कि वो ये नहीं समझ रहा होता कि वो किस बात का सौदा कर रहा है। देखिए ये जो बात इस वक्त हो रही थी शराफत साहब जो न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे थे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर मैं आना चाह रहा था जी। कि ये एक महविश नहीं ऐसी कई महविश हैं इस माशरे के अंदर कई महविश हैं कि जिनके बाप जो हैं वो अच्छा इसमें सिर्फ नशे ही का मसला नहीं है वो इफ्लास वो गुर्बत वो तंगदस्ती वो कारोबार का ना होना या जॉब का ना होना तो जिनेब भाई किससे रिक्वेस्ट करें कौन हमारी मदद करेगा किसी ना से हमारा मकसद ही है। देखिए मैं आपको बताऊं जी ये बच्चा तो ये लोग अपने जिस्म के आज़ा बेच रहे हैं ठीक लोग अपनी बेटियों तक को बेच रहे हैं लोग अपनी बीवियों तक को बेच रहे हैं आप पैदाइश मतलब जो पैदा होने वाले बच्चे की बात कर रही हैं लोग तो अपने वजूद तक को बेच रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए और गुर्बत की वजह से रिफ्लास की वजह से या नशे की हालत में जो अपने आप को मुब्तला करने की वजह से। इस सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ हो चुका कि जिसमें हम सारे बैरियर्स तोड़ चुके हैं इससे आगे निकल चुके हैं। देखिए ये जो केस है ना महविश का इसके अंदर समझने और जो सोचने की बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जिस लोकेलिटी से ये ताल्लुक रखती है ना ये सिर्फ इस लोकेलिटी का मसला नहीं है हमने क्यों अपने आप को जो एक डिवीजन कर दिए सोसाइटी के अंदर के साहब ये जो आपकी लोअर क्लास है उसका मसला है ये मसाइल आपके अपर क्लास में भी मौजूद हैं ये मसाइल आपके मिडिल क्लास में भी मौजूद हैं ये मसाइल अगर जोहला में मौजूद हैं तो पढ़े लिखों में भी मौजूद हैं।
ये मसाइल सिर्फ एक सोसाइटी, एक क्लास, एक माइंडसेट के नहीं है, ये मालिमिया है पूरी सोसाइटी का। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जब भी आपके पास एक कॉल आई थी ना, मजहब से दूरी। देखिए, एजुकेशन मजहब से दूरी, तालीम मजहब से दूरी, तरबियत मजहब से दूरी, सारी चीजों को एक ही जगह पे आप लेके आ जाइए। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके माशरे के अंदर मजहब की उस तरह से ट्रीटमेंट ही नहीं है कि आपको ये पता चले कि जिसको आप लेके जा रहे हैं उसके हुकूक क्या है, जो लेके आ रहा है उसके हुकूक क्या है, जिसके पास भेजा जा रहा है उसका हक क्या है। यानी आप आपस में एक दूसरे के साथ तवाज़ुन पैदा करने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे महवेश की और जानेंगे इसके साथ आगे क्या हुआ, लेकिन अभी मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक पे, प्लीज कहीं मजा आएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम यहाँ मौजूद हैं महवेश के लिए, महवेश की फरियाद सुनने के लिए, उसका ये मसला हल करने के लिए। जैसे कि बात हो रही थी कि ऐसे कई मसाइल हैं, ऐसे कई महवेशें हैं, लेकिन आज अगर हम एक इस महवेश का अगर केस हल कर सकें या उसको सुलझा सकें या उसकी मदद कर सकें, या हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनमें से कोई उठ के आवाज़ उठाए और उसकी मदद कर सके, हमारा साथ दे सके, हमारे चैनल का साथ दे सके, तो ये हमारी शुरुआत है उन सारी लड़कियों को जो इन मुब्तला हैं इन केसेस में या उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनकी मदद करने के लिए। हमारा मकसद है मदद करना और हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर महवेश अपनी फरियाद लेके आई है, उसका मसला हल हो सके, उसकी फरियाद पूरी हो सके, ताकि ऐसी कई महवेशों को हम यहाँ पे बुलाएं और उनके भी मसले हल कर सकें। जितना हम कर सकें वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जुनैद भाई बात कर रहे थे और आप कुछ बोलना चाहें थे। बिल्कुल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात अभी ब्रेक से पहले की जी कि हम इस्लामिक प्रिंसिपल से दूर होते जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के हुकूक का नहीं पता। उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी मैं इस बात को कि हमारी सारी फोकस होता है कि हमने लड़की को शादी के लिए तैयार करते हैं कि तुमने ससुराल में ये करना है, हस्बैंड को इस तरह से, मर्द की ट्रेनिंग के ऊपर हमने कभी फोकस नहीं किया। उसकी आज वजह ये हो गई है कि मर्द को जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा और रिस्पेक्ट करना नहीं आता। अगर रिलेशनशिप में भी शुरू में भी बात हो रही थी कि मैरिजेस क्यों फेल हो रही हैं, लड़कियाँ क्यों इतनी अब एग्रेसिव होनी शुरू हो रही हैं और इंडिपेंडेंट होने की बात करती हैं, ये दो वाइटल एलिमेंट्स हैं कि एक जिम्मेदारी का एहसास। आप देखें, हर तीसरे दिन आप खबर सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मर्द ने, हस्बैंड ने उठा के अपने बच्चों को मार दिया, किसी ने पानी में फेंक दिया, पुल से नीचे फेंक दिया, कोई जाके जहर देके मार देते, सात सात बच्चे हो गए, खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन वही कि हस्बैंड मरता है तो हमारे सामने मसाले, इन्होंने पाले हैं बच्चे, अकेली पाल रही। अच्छा, इसमें मैं कहूंगी कि हस्बैंड को तैयार नहीं करना होता, इसमें ये होता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो तरबियत देते हैं, स्पेशली बेटा बेटे को, जो बाप से इसीलिए पूछना चाहूंगी यहाँ पे, इसी से मुझे एक सवाल आया है कि आपके शोहर के माँ बाप नहीं है? नहीं है। कब हुई उनकी उनकी डेथ कब हुई? छोटे से थे जब छोटे से थे। और एक ये बाजी भी है तो बाजी को चाहिए था कि जब माँ बाप नहीं हो तो बड़े वाले माँ बाप का नहीं होना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपके बाद जो साया बन जाते हैं और पालते हैं, क्योंकि ये जो बात की उस शोहर ने, इनके शोहर ने कि बच्चे को बेच दिया जाए, तो ये ऐसी आप फिर वो कैसे क्या फैमिली जो सोच आई है वो कहाँ से आई है? वो फैमिली कैसी? वो फैमिली मैं एक चीज आपको और समझाऊं, उसकी तरबियत कैसी है? रिश्ता करते वक्त, रिश्ता करते वक्त देखें, हमारी बेटियां जो है ना वो कोई जानवर नहीं है जिनको उठा के हम किसी को सुपुर्द कर दें। हमारी राज दुलारी होती है, वो हमारी आंखों के नूर होती है, हमारी आंखों का तारा होती है, हमारे जिगर गोशा होती है। बेटियां ऐसे नहीं दी जाती। मजबूरी मैंने आपको इब्तिदा में बता दिया कि वो क्या हो सकती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये भी है कि मिसाल के तौर पे आपका अगर फैमिली में आप कोई रिलेशन करने जा रहे हैं तो आपको पता है, ठीक है, अगर माँ बाप नहीं भी हैं तो एटलीस्ट फैमिली का बच्चा है, सामने है, चचा मौजूद है, ताया मौजूद है, मामा मौजूद है, वट एवर जितने भी रिश्ते हैं मौजूद हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा कान खींचने के लिए बड़े खड़े हो जाएंगे, खानदान वाले खड़े हो जाएंगे, एक आवाज देंगे, चार लोग आ जाएंगे फैमिली में से, कम्युनिटी में से। यहाँ मसला दूसरा है, यहाँ मसला ये कि कम्युनिटी भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, बाहर के लोग हैं। अच्छा, अब बाहर के लोग हैं तो उसमें क्या मसला है कि देने से पहले ये 10 दफा सोचना चाहिए था कि बात ये है कि ऊपर कोई बड़ा मौजूद नहीं है,
माँ बाप मौजूद नहीं है, आप इखलाकी तौर पे बाउंड कैसे करेंगे? मसाइल तो फिर जन्म लेंगे, और नतीजा क्या निकलेगा कि जब आप कान पकड़ने जाएंगे तो वो अपना कान आपके हाथ में नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर चाचा ताया मामा चची पुपी कोई मौजूद नहीं है। ठीक, समझने की, जैसे अगर हम इसकी अपनी बहन की बात को देखें, इसने दो बातें की, एक तो ये कि जो इसकी नंद है, नंद थी, वो तैयार थी उस बच्चे को अडॉप्ट करने और उसका खर्चा उठाने। अब एक एंगल से देखें तो ये बात उसकी इस लिहाज से दुरुस्त है कि उसे पता था अपने भाई का हाल कि वो नशे का आदी है, वो घर का खर्चा नहीं चला सकता। यही माली सपोर्ट उसकी माँ ने भी उसको की, क्योंकि घर ऐसे ही चलते हैं कि या तो किसी की माँ पूरा कर दे या बहन पूरा कर दे। एक इत्मीनान ये भी था कि चलो घर में ही बच्चा रहेगा तो जो अफोर्डेबिलिटी इनकी नहीं है वो नंद के जरिए पूरी हो जाएगी। अगर इसको हम एक बेहतर पहलू देखें तो खतरनाक बात यह है कि जो इसका शौहर था वो इस बात के लिए राजी है कि वो अपने बच्चे का सौदा करके और वो रकम अपने उन शौक पे, अपनी उन अय्याशियों, अपनी उन गलत हरकत पे पूरा कर सके। बिल्कुल, खतरा इस बात का है कि आया वो अपनी बहन को देकर वो बच्चा घर में ही उसको महफूज रखता है, या पैसे के लालच में वो कहीं किसी और को तो नहीं फरोख्त कर देता। और ऐसे कई केसेस हैं जिनको हम रोजाना देखते हैं। सही बात है। अच्छा, ये जरूरी क्या था? एक और चीज, ये जरूरी क्या था वो अपनी, मिसाल के तौर पे बात ही हो रही ना कि बहन ने मांग लिया, चले जी बहन ने नहीं मांगा, लालच उसके अंदर थी, वो तैयार है अपने बच्चे का सौदा करने, किसी और को भी बेच सकता था। आगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले उसने बच्चे का सौदा करने को तैयार है, आगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मैं ये एक मेरे जहन में सवाल बार बार आ रहा है कि एक बार जो तुमसे उसने ये बात कही थी, जो हमने पहले भी देखा, उसको दोहराया कितनी दफा था, दोहराता रहता था या एक दफा करके उसने छोड़ दी थी? बहुत बार दोहराई, बहुत बार दोहराई, दोहराई बहुत। हम आगे देखना चाहेंगे कि क्या हुआ, ये चलकर देखते हैं। महविश के घर नन्ना प्यारा सा लड़का पैदा होता है जिसका नाम महविश और उसकी अम्मी ने अब्दुल हादी रखा है। अब महविश खुद काम करती है और अपना घर चलाती है। महविश की अम्मी ने अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया क्योंकि वो भी अकेले घर को चलाती थी, क्योंकि उनके खावंद का इंतकाल हो गया था। अम्मा क्या होगा? अरे तू क्यों फिकर करती है, तेरी माँ जिंदा है ना अभी, उस अब्दुल वहीद को तो मैं देख लूंगी, और मुन्ने के दूध का डिब्बा मैं मंगा दूंगी, देख सिलाई कर रही हूँ ना, वो रजिया आप पैसे दे जाएंगी इस सूट के, तो मैं इसका दूध का डिब्बा भी मंगवा दूंगी। आज तेरे अब्बा जिंदा होते ना तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, बस जैसे अल्लाह की मर्जी है। कुछ महीने वहीद साहब गायब रहे और फिर महविश की अम्मी के घर आकर रहना शुरू कर दिया। मेरा बेटा चिज्जी खाएगा, शहर पे जाएगा, टोफी खाएगा, टोफी। ओए मेरा बेटा, चलो चलो चलो, ओ चलो चलो चलो, आ चलो चलो चलो, आ जाओ चलो, मैं आपको चीज लेके दूंगा, ठीक है? आ जाओ मेरे पास जल्दी से। आज से पहले तो तुम्हें कभी प्यार नहीं आया अब्दुल हादी पे, आज बड़ा प्यार आ रहा है। देख बात सुन, ये मेरी औलाद है, मुझे इससे कितना प्यार है और कितना नहीं ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी? कहाँ है? आज जो मेरा बच्चा बच्चा चेल करेगा, चिज्जी खाएगा। कुछ दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। बाप बेटे को रोज सुबह उठाकर घुमाने ले जाता और एक दिन महविश,
ये क्या हुआ है? 25 फरवरी को मैं सो रही थी सुबह के टाइम पे, रात में हमारी लड़ाई हुई थी खर्चे के पीछे। मैं अपना खुद 25 फरवरी जो अभी गुजरी है 2014 की, ठीक, मैं अपना खुद काम करती हूँ, मैं अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठा रही थी। अपनी मम्मी से मैंने अलग घर ले लिया, झगड़ा रो रहा था कि अलग रह लो अलग रह लो, मैंने अलग घर ले लिया किराए पे। रात में झगड़ा हुआ पैसों के पीछे कि आप मुझे पैसे दो। मैंने कहा हादी को नमूनिया हुआ हुआ था उस टाइम पे, हादी को सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे थे, मैं इंजेक्शन लगवा के उसको लेकर आई, कह रहे मुझे 200 रुपये चाहिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है ये इंजेक्शन के पैसे हैं हादी के, मैं नहीं दे सकती हूँ। इस बात पर उन्होंने काफ़ी मारा पीटा झगड़ा करा। सो गए 2:30 बजे का टाइम, सुबह के टाइम पे हादी सो रहा था। रोज ऊपर लेके जाते हैं, 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, मैं अपने भाइयों को भेजती हूँ, देखती हूँ कहाँ है हादी। 8 बजे के टाइम पे मेरे मुझे इस नींद से मैं उठी, मैं हादी को फीडर बना के दी उन्होंने, मैंने हादी को लाओ हादी बाहर चीज़ लेने चलते हैं। हादी को चीज़ दिलाने लेके गए बाहर से कुंडी लग, बाहर से कुंडी लगा के वैसे लगाते नहीं थे, नहीं उसी दिन लगाई जी। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मैंने वेट किया, उसके बाद से मैं अब तक अपना बेटा ढूंढ रही हूँ, खुद भी वापस नहीं आया। बहन के घर चेक किया कहीं बहन को तो नहीं दे दिया? यहाँ नहीं आया, वहां भी नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया, कहीं नहीं बेच नहीं दिया। अल्लाह गुना माफ। आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई? ये मैं दिखाना चाह रही हूं, ये है अब्दुल हादी। 1 माह 8 दिन हो चुके हैं और एक माँ का बच्चा शायद उसे छीन ले आ गया, और अपना जो शौहर है इनका वो भी लापता है। शौहर फरार है, बेटा गायब। एक्सक्यूज मी, अपने शौहर की तस्वीर दिखा। ये है वो शख्स नाज़रीन जिसकी वजह से आज है माँ ऐसी है। माँ से उसकी औलाद थाने में रिपोर्ट की, इनको पूछे आपने थाने में रिपोर्ट की, पुलिस ने क्या क्या कहा, क्या FIR काटी, क्या किया? दरखास्त जमा कराई? उन्होंने कोई आपको बोला कि हम कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, कुछ कहा? बस यही बोल गए हम लोग 2-3 दफा, मैंने बोला आप एक दफा मोबाइल लेके चले तो वो लोग शायद बता देंगे, वो लोग हमें तो बता रहे हैं। वो लोग से मुराद नंदू के घर पे? जी जी, नंदू से पूछा है, नंदू के घर गए आप लोग? नंदू से बात करने की कोशिश की? क्या किया? जब मैं फोन करके जाती थी जब नहीं मिलती थी मुझे, फिर एक दो दफा वो मिली, मैं जरा काम पे जाती हूँ, मैं कितनी छुट्टियां करती। पुलिस में रिपोर्ट कब कराई? जाती करा दी थी उसी दिन, हमने उसी दिन कराई थी। FIR कटी हुई है? FIR नहीं कटती। FIR नहीं कटती? FIR क्यों नहीं काट रहे हो? क्या वजह? उन्होंने कहा बाप पे FIR नहीं कटती। बाप पे FIR? बच्चे की 25 फरवरी को इस शख्स ने अपने बच्चे को क्या किया मुझे नहीं पता। क्या बेच दिया? आपका इलाका ले गया? माजी पे हम रहते हैं। सही दबा। और इस माँ की हालत देखेंगी, ये तस्वीर इसका क्लोज मैं चाह रही हूँ कि ये देखें जो ये देख सके, और जहाँ आप लोगों को ये शख्स मिल सके प्लीज हमें बताएं, हमें ये कहीं बेचकर नशा कर रहा होगा कहीं कोने में बैठकर। ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं और नशा कर रहे होते हैं ना, इनके दिमाग से इनके जो है ना सोच वगैरह सब खत्म हो जाती है। दे जस्ट वांट, दे आर एडिक्टेड पीपल, दे आर ड्रग एडिक्टेड पीपल, इनको तो कोई होश ही नहीं। लेकिन कौशल मैम मुझे ये समझ नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, फीलिंग्स खत्म हो जाती है, सगी औलाद अपनी सगी औलाद खत्म हो जाती है, उसे तो ये भी एहसास नहीं होता कि इसका औलाद है। हमारे कि दो बच्चे को मार्केट वगैरह जहां लेके जाता था कहीं पर अगर इसने सौदा किया भी है तो उन्हीं इलाकों में घूमता होगा ना बच्चे को उठा के। पुलिस वाले यही बोलते हैं आप ढूंढ के लाओ, आप बरामद करो। वकील ने भी हमें यही बोला, कोर्ट भी हमें यही बोल रही, जज ने भी यही बोला आप ढूंढ के बताओ हम ढूंढ लेंगे।
आप बता दो वहाँ बैठा हम पकड़ लेंगे, हम पुलिस ले जाएंगे। असल में इस माशरे का सबसे बड़ा आलमी आई है, जिनको मुहाफिज होना चाहिए वो तो शहर में असला बेच रहे हैं ना, उनका तो मसला ये है कि जो हमारे मुहाफिज हों, जो हमारे मामला को हल करें, वो शहर में असला बेच रहे हैं। आपने इलाका बताया, मैं एसएचओ को कॉल करती हूँ, इस चीज को देखते हैं और उनको लगा दे उसके पीछे, एसएचओ को मैं कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ फौरी टीम भेजें और प्रॉपर ढूंढें, तस्वीरें वगैरह आप मुझे भेज दें, एक कॉपी दे दें इसकी करवा के, एक अपने पास रखें, वी विल सी टू इट के 8 से 10 दिन के अंदर ये बरामद करें, बल्कि बहुत जल्दी बरामद करके दें। अच्छा, लेकिन आप मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का मालूम पता चली है कि जो इनके शौहर है वो लाहौर में है, इतना पता चला है तो लाहौर में कहाँ है, कहाँ है? 25 फरवरी के बाद हुआ क्या, प्लीज बताओ उसके बाद हुआ क्या। मैं 25 फरवरी के बाद क्या हुआ, मैं उनकी बहन के घर गई जिनका मुझे मालूम है, बड़ी वाली बाजी, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं आया, ठीक, मैंने सब जगह उनको फोन करा, ढूंढा, मैंने बाजी अस्मा को फोन करा 13 तारीख को कि बाजी हादी नहीं मिल रहा, मुझे हादी चाहिए, वहीद ने इस तरह से कर लिया है मेरे साथ, कह रही है दुआ करो आ जाएगा, मैंने कहा मैं तो दुआ ही कर रही हूँ, दुआ करो फोन आ जाएगा, तुम दुआ करो वो जहाँ कहीं पे भी हो वो फोन करे, वो फोन कहाँ से करेंगे, उनके पास नंबर किसी का भी नहीं है, कह रही नहीं तुम्हारा नंबर है, मैंने कहा चलो आप ये बोल रही हो तो शायद फोन आ जाए, मुझसे मिलने आओ, मैंने कहा आप घर बताओ मैं आ रही हूँ, नहीं मैं तुम्हें घर नहीं बता सकती, मैंने कहा मैं कहाँ मिलने आऊँ, उन्होंने बोला बाजी के घर पे आओ बड़ी वाली, मैंने कहा अच्छा, मैं उनके घर गई, वो मेरे साथ बैठी हुई रो रही हैं, बात कर रही हैं, मैं अपनी अम्मी को बोल रही नहीं अम्मी इनको कोई हाथ नहीं है, ये बहुत अच्छी हैं, ये ऐसी नहीं है, मैं उनके घर से निकली हूँ, आधा घंटा गुजरा है वहीद की कॉल आई है, मैंने कहा आप कहाँ हैं, हादी कहाँ हैं, कह रहे मैं पंजाब में हूँ, मैंने कहा आप क्यों लेके गए हो हादी को, कह रहे मेरा था मैं ले आया, मैंने कहा आप मेरी बात करा दो हादी से, वो सो रहा है, मैंने घर आके अपनी अम्मी को बताया, मैंने बाजी अस्मा को फ़ोन करा कि नहीं अच्छा वैसा करो उसकी कॉल आया तो उससे प्यार से बात करो, उसको बोलो हमें कॉल करें, मैंने कहा एक कॉल आने में 21 दिन लगा दिए उन्होंने, दूसरी कॉल बना जाने कहाँ आएगी, तो नंबर नहीं पता था कि कहाँ से फ़ोन आया, पता करा मैंने पंजाब में कोई गाँव है शेखुपुरा, शेखुपुरा वहाँ से आई थी कॉल, फिर दूसरी कॉल आई है इतवार वाले दिन, उससे तुम्हें बताया था या तुम्हें पता कराया? नहीं मैंने पता कराया नेट से, मेरे बहनोई से मैंने चेक करवाया कि ये जरा देख के बताओ कहाँ से नंबर आया ये, क्योंकि मैं लाहौर कभी नहीं गई हूँ, ये भी नहीं बताया कि कहाँ है, बस ये बोला कि पंजाब में, लाहौर में स्टेशन के पास हूँ, मैंने कहा मुझे एड्रेस बताइए मैं अभी आती हूँ अपना बेटा लेके, दूसरी कॉल आई नंबर से कॉल आई थी, नहीं लोकल, दूसरी कॉल आई, दूसरी कॉल पे क्या बात, जल्दी ट्रेस हो जाएगा, वो ज्यादा बेटर, मैंने बोला आप क्यों लेके गए हो हादी को, हादी कहाँ, प्यार से बात करने की कोशिश की थी, मैंने कहा आप वापस आ जाओ मुझे एड्रेस बता दो मैं हादी के बगैर नहीं रह सकती, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा तुम आ जाना, मैंने कहा मैं नहीं रह सकती हूँ अपने बच्चे के बगैर, मैंने कहा मुझे हादी की आवाज सुना दे, कह रहे नहीं हादी घर पे है मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कहा किसके पास छोड़ा है आपने उसको, मैंने औरत रखी है वो उसको संभालती है, मैंने कहा हादी क्या, मैंने एक औरत रखी वो उसे संभालती है सारा दिन, रात में मैं जाता हूँ तो चली जाती है वो, मैंने कहा आपने मेरे बेटे को किसके पास छोड़ा हुआ है, मेरी अम्मी ने फिर फोन ले लिया, मेरी तबीयत खराब हो जाती है मुझे शुगर, मेरी अम्मी ने ले ली कॉल। नाज़रीन, जिस आदमी को अपना होश नहीं हो अपने बच्चे को क्या संभालें, अब वो औरत की मुझे मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, वो कैसे कर रहा है वो, एग्जैक्टली सोचने वाली काफी 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 सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें करनी है, मालूम करना है, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक प्लीज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे जमा तो में है।
मैं जानना चाहूंगी कि फिर क्या हुआ। हमारे सामने अगर पूरी पिक्चर हो तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए ना, तो फिर बात करने में आसानी भी होगी। वहाँ गया है और हम उनको भी कुछ समझा सकेंगे और सुनने वाले, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया होगा उस बच्चे के साथ, क्या बीच दिया, क्या कह रहे रखी है, वो कौन है, कहाँ से पैसे ले रहा है, वो रिश्तेदार है, कौन है। उनकी बहन ने उन्हें पंजाब भेजा है। अच्छा, सच बात है, ठीक है। मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है उनकी बहन ने उनको भेजा है। अच्छा, पंजाब में उनकी बहन है, लाहौर में उनके भाई रहते हैं, मुझे उन लोगों का घर नहीं मालूम। अच्छा, बाकी बहन भाई पंजाब और लाहौर में रहते हैं। दो बहनियाँ रहती हैं, एक भाई और एक बहन पंजाब में रहती हैं। जब वो आपके साथ रह रहे थे कि उनके पास पैसे थे? नहीं नहीं थे। तो फिर ये मैंने उनको ढूंढा है जाने के लिए 15 दिन तक मैंने उनको मुसलसल ढूंढा है, हर जगह तस्वीर लेके अपने बेटे की और इनकी हर जगह गई हूँ। तो उन्होंने यही बोला, 2 दिन पहले आया था बाजी, अभी चला गया, बच्चा उसके साथ था। उसके बाद वो अपनी बहन कौन सी जगह पे गई, और औरंगी टाउन, ये कटी पहाड़ी वगैरह है जहाँ पे ये चीज़ें वगैरह बिकती हैं। मैं अपने भाई के साथ गई हूँ, मैं अकेली तो नहीं जा सकती इन जगहों पे। मेरे भाई ने हर जगह पता करवाया, उन्होंने बोला कि अभी गया था, 2 दिन पहले आया था, कल आया था, आज नहीं आया, बच्चा उसके साथ था। अब ये अलहदा ढूंढती रही है, मैं अलहदा ढूंढ, सब ढूंढने में लगे, सब अलग अलग ढूंढ रहे हैं। माँ की ममता है ना, ममता तो फिर अपने अपने बच्चे को तलाश करती है ना। बेटा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तुम्हें कैसे यकीन है इस बात का कि ये इनकी बहनें मिली हुई हैं, या मतलब तुम्हारे फोन पे दोबारा बात हुई तुम्हारी दोबारा बात हुई? दो दफा तो बात हुई ना। तो बात बहन ने कहा कि आधे घंटे बाद कॉल आएगी, और आधे घंटे बाद कॉल आ गई, नहीं आधे घंटे उन्होंने कॉल आएगी, और आधे घंटे बाद आ गई, आ गई कॉल, दैट मींस दे आर कनेक्शन विद ईच अदर। ये बात क्या, वो माई नहीं है क्या, नंदे माई नहीं, एक माँ के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं बच्चे के समझ में आ रहा है। ये आ रहा है कि कुछ अरसे इस बात को डिले करने के बाद जो है, जो ये बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही थी, ये फिर बच्चा मंगा के अपने पास रख लिया, अभी फिलवक रखती, एड्रेस इसको पता था, ये पुलिस लेके पहुंचती, बच्चा वापस हुआ क्या? ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आपको ये बात पक्की तरह कोई प्रूफ है इस बात का कि जो बच्चा पहले उनके पास है वो वाकई में भाई का, या वो भी कुछ किडनैप वगैरह का? नहीं नहीं बताया, भाई का बेटा है, पक्की बात, बड़ी भाभी मम्मी से दिया है, ये भी चेक करें आपके बच्चे का स्टेटस, रजामंदी से दिया है कि उनके साथ भी ऐसा कोई भाभी के साथ ऐसा कुछ हरकत की है, वो भी रजा को कारोबार करा के दिया था उन्होंने, वही वाली बात उसके साथ वो करना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वलीद से बात हुई, उसके बाद फोन आया, 2 फोन कॉल्स करने के बाद फोन आया, उसके बाद फोन नहीं आई। मैं जो कहा एक हफ्ते बाद जाऊंगी, नहीं बताया उन्होंने कॉल, उस दिन से लेके ये आखिरी कॉल कब थी? नहीं बच्चे गई तो नहीं बताया, तो वो लेके गया बाप, ये संडे छोड़, नहीं बता रहे, संडे के बात भी नहीं कर रहे। 2 हफ्ते पहले, नहीं 2 हफ्ते पहले आखिरी कॉल थी, उस कॉल पे क्या बोला एग्जैक्टली बताओ प्लीज। मैंने कहा हादी कहाँ है, आप मेरी हादी से बात कराएं। उन्होंने हादी सो रहा है, मैंने एक औरत रखी है उसके लिए, वो संभालती है उसे। कौन है वो औरत, पूछने की कोशिश की? पूछा मैंने, शादी कर ली क्या तुमने? नहीं, मैंने पूछा, मैंने बोला भाई किसको रख लिया, क्या कर दिया, मैंने बोला क्या किया क्या तूने बच्चे के साथ? बोलता मेरा बच्चा है, मैं उसको बेचूं, उसको मारूं, उसको कुछ भी करूं। आप क्या क्या क्या? हाँ, उसको बेचूं, मैं उसको मारूं। उसे बोला ये? हाँ, मुझसे खुद बोला उसने वलीद ने, और उसकी बहन ने भी यही बोला। क्या बोला उसकी बहन ने, क्या बोला? उसकी बहन ने भी यही कहा, हमारा बच्चा था, तुम लोगों ने मेरे भाई को तो कत्ल कर दिया होगा, और बच्चे को हमें नहीं पता, हम भी उल्टा इल्जाम लगा रहे तुम लोग। ये कौन सी बहन ने बोला था? ये वही जो बच्चा मांग रही, अस्मा ने जी। मैं गुजारिश करूंगी अपनी टीम से, अस्मा का नंबर हमारे पास है, प्लीज अगर उनको कॉल, उनको कॉल पे ले सके प्लीज। मैं अस्मा से भी पूछना चाहूंगी, अस्मा वो वाली बहन है जो ऑलरेडी माँ है, या वो वाली बहन है जो जिसके पास औलाद नहीं है? जिसके पास औलाद नहीं है, नहीं है। पुलिस की हेल्प के बगैर कॉल प्लीज कॉल करें, कि चोरी खुद कर रहे हैं और फिर ऊपर से हमसे ही लड़ रहे हैं। जी जी, एक सेकंड, क्या तो जाहिर जिंदा है तो फोन, अस्मा कह रही है, उनको कॉल किया, अस्मा कह रही है मैं इन लोगों को नहीं जानती, इन लोगों को डिनाई कर रही है क्या? और पहले बात करने की कोशिश की थी ना कि इनको कॉल पे लेंगे, तो क्या ये क्या डिनाई कर दिया? अस्मा अगर आप मुझे देख रही हैं तो कल तक पुलिस वालों से कैसे कर सकते हैं? एक घर की स्टोरी नहीं रही है, अब ये स्टोरी नहीं आ रही है, प्रॉपर्ली पुलिस मीडिया, हर शख्स इन्वॉल्व हो गया, पुलिस वालों को वो खरीद रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इनिशिएटिव लेती हैं, कौसर बिल्कुल फॉर श्योर करते हैं, इसको इन्वॉल्व करें, पंजाब में जो इनके रिश्तेदार हैं वहां पे, मैं एफआईआर पे उसके ऊपर पूरा मैं करके वर्किंग,
और इंशाल्लाह इनका बच्चा करते, कोई माँ से इस तरह से बच्चा नहीं छीन सकता। यहाँ पे जो इनकी बहनें उनके घर जाए। मैं तो ये इस वक्त इस बात पे शॉक्ड हूँ कि अस्मा जो मेरे हिसाब से इनको अभी कॉल पे आना चाहिए था, और हमें दोनों साइड की पता चलता है ना कि वो भी क्या कहना चाहती, लेकिन अगर उन्होंने इस वक्त डिनाई कर दिए तो अस्मा मैं अभी मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकूँ कि आप कर क्या रही हैं। आप खुद आपको एक खुद आप एक माँ ना बन सकी, एक औरत होते हुए खुद माँ नहीं बन सकी, इससे बेहतर मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा आपके इस खानदान में, क्योंकि आपको पता है कि आप माँ नहीं बन सकी, तो औलाद की जो वो तपिश और औलाद की वो जो चीज है कि ख्वाहिश आपसे बेहतर तो जानता ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकती है एक माँ के साथ ये दुख, तो आपसे बेहतर जान नहीं सकता। आपने फिर उसी दुख में अपनी भाई की औलाद ली, उसको पाला पोसा, और आपने फिर एक माँ से उसकी औलाद छीनने की कोशिश की या छीन ली या उसके साथ क्या किया है। अगर आप सही हैं अस्मा तो प्लीज मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आप कॉल पर आए, अगर आप सही हैं आप प्लीज टीम जो है अस्मा को कॉल पर लेने की कोशिश करें। मैं विश आपने अस्मा से बात करने की कोशिश की है जी? क्या बोलती है वो? कहे तुमने हमारा भाई कत्ल कर दिया और तुम ड्रामे कर रही हो। प्रेशर टैक्टिक्स है ना, प्रेशर मिलाने की। कत्ल कहां से हो गया? और आज वो चुप बैठे होते, अल्लाह ना करे खुदा ना करे ये बात। मैं अपने बेटे के साथ कुछ नहीं। सईदाबाद थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, थी अगर आप वहां पे कॉल करके पूछ सकें कि उन्होंने क्या पेशरफ की है। इस वक्त अगर आपकी टीम इस वक्त वहाँ बैठी है ना पैनल पे, उनको चाहिए कि वो इलाके के एसएचओ को लाइन पर मेरी बात सुने, दुर्गत बनाए बराह रास्त, जो झूठा है उसको उसके घर तक पहुँचाए। एक चीज रहा सवाल, इनके जो ससुराल वाले उनमें खौफ खुदा नहीं है, भूल जाइए इस बात को, उन्होंने बोला उनमें खौफ खुदा नहीं है। मेरे वो जो आप बात कर रहे हैं, एक मिनट में आपको सॉरी मैं बात करूंगा, मेरे जो नंदोई है वो तावीज वगैरह करते हैं क्या? मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, इन बातों को मैं बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि फोन पे मुझे बोला, पहले सामने बैठ के बोला स्टैम्प पेपर साइन करो ब्लैंक, मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, मुझे मेरा हाथ। ये कब बोला? ये कब बोला? ये अच्छा ये बच्चा दो जाएगा तुम्हें, दो मार्च को मुझे बोला स्टैम्प पेपर साइन करो ब्लैंक, मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, मुझे मेरा हाथ ही दिखा दें आप। सही, एक हफ्ते बाद आ जाना, मैं स्टैम्प पेपर तैयार करूंगी। मैंने कहा ठीक है आप मुझे अभी बुलाओ मैं करती हूँ। स्टैम्प पेपर किस चीज का? वो मेरा है बच्चा ब्लैंक जिस पे वो साइन कर रहा है। हमारी जिंदगी किसी से नहीं है, बच्चे से ताल्लुक नहीं है, या व्हाटएवर कुछ भी उस पे लिखवा सकते, बच्चे से कोई वास्ता नहीं था। ये बात आ गई, वो सब कुछ माँ के जज्बात ऐसे खेला जा रहा था। फिर मुझे बोला गया आपने साइन किया नहीं? उन्होंने बुलाया दूसरे हफ्ते, मुझे बुलाया, आप मुझे 15,000 रुपए दे दो महवेश, मैं नक्श लिखूंगा आपका हाथी आ जाएगा। मेरे कैसे कैसे आ जाएगा? और चले उनको बुला ले, 15,000 मैं दे देती हूँ उनको, बोले बच्चा दे दे, 15,000 नहीं 25,000 दे देते, उनको कॉल करें उनको बोले कि बच्चा दे दे, 25,000 मैं दे देती हूँ। हाँ हाँ ये बात आप कॉल करें, बात करें उनसे, कॉल क्या कह रहे हैं, क्या हुआ कॉल पे, क्या हुआ इसमें, पुलिस को इन्वॉल्व करें और किसी कानूनी तरीके से हो जाएगा, वो कह रही है हिफाजत से बाहर। अस्मा कह रही है टीम को कि क्या कह रही है, कोर्ट में केस था और वो हमारे हक में सुना दिए क्या? जी हाँ, इन लोगों ने पुलिस वाले ने इनको फोन करा, क्या इन्होंने बोला पुलिस वाले को कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, महवेश झूठ बोल रही है, इसने वहीद का कत्ल करके कहीं दफना दिया है, और ये फैसला हमारे हक में होगा कि कौन से कोर्ट में हुआ है, सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट। तो कोई पेपर्स होते हैं? नहीं नहीं ये गलत बात है। आप मुझे ये बताएं, मुझे एक बेटा बात बताएं, आप पूरी कहानी बता रहे हैं, बच्चे की कस्टडी का केस तो नहीं चल रहा, कोर्ट में किस चीज का केस चल रहा है? किस चीज का केस? पिटीशन दायर की, क्या पिटीशन? हादी मुझे चाहिए, मैंने की थी, और बच्चा भी मुझे चाहिए। पूरा केस बताओ ना, पूरा केस। आपने कितने अरसे पहले किया ये पिटीशन दायर, ये बताइए आप। बच्चे की बाजियाबी के लिए आपने किया है, बच्चे की कस्टडी के लिए रिसेंटली जो 5 मार्च उन्होंने 2-3 दफा तो जज ने बहुत आराम से बात करी, वकील ने भी बहुत आराम से सुनी, पुलिस वालों ने भी सुनी आराम से बात। हमारे साथ 2 पुलिस वाले गए थे 12 मार्च को, 13 तारीख को हमारी डेट थी, तो वो लोग घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ बच्चियां थी उनकी, तो हमने कुछ भी नहीं बोला, उनकी बहनें मेरी बहनों जैसी हैं, मेरी बच्चियों जैसी हैं मेरी भी, वो लोग मैंने कुछ भी नहीं बोला, अम्मी मेरे साथ थी, हमने कोई शोर शराबा कुछ नहीं करा।
तो वही नहीं मिले, उन्होंने साइन वगैरह करवा लिए, उन्होंने मेरे को धमकियां दी फोन पे जब हम लोग वापस आ गए। किस चीज पे साइन करवा लिए? किस नोटिस पे साइन करवाया पुलिस वालों ने वहां से कि यहाँ वही नहीं मिले हैं, बच्चा नहीं मिला, तो साइन क्यों करवाया? कोई नहीं, कुछ कॉपी नहीं। आपका जो वकील होगा, मैं टेक्निकलिटीज को इतना नहीं समझता लेकिन कुछ तो समझता हूँ मैं, आपके वकील के पास डॉक्यूमेंट उनके पास है जी, उनके पास है, वकील के पास है। जब आपने पिटीशन बकौल आपकी कि आपने खुद की जी जी, यानी इसका मतलब ये कि आपको बच्चा नहीं मिल रहा था जी। तो अब मसला ये है कि उस बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए जज ने जो है कोई ऑर्डर्स उस पे पास की, ऐसे डिसीजन कैसे दे दिया? वो दो दफा करवाए कि अब्दुल वहीद को लेकर आए। मैंने कहा वहीद नहीं मिल रहे, मैं कहां से ढूंढ के लेकर आऊं? फिर जज ने बोला वकील को कि आप इसकी बहनों को बुलवाएं। तो पुलिस वालों को फोन करवाया अस्मा के नंबर पे, तो अस्मा ने उनको पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। शाम तक के पुलिस वाले हमारे हक में थे कि बेटा वो आएंगी। आप पहले पुलिस वाले बोलते रहे आप छोड़ दो, आपका बेटा है, आप इतना पैसा लगा के लोगे, 7 साल बाद वो फिर चला जाएगा। मैंने कहा जबकि जब देखी जाएगी अंकल, मैं अपना बेटा नहीं छोड़ सकती हूँ। उन्होंने बोला छोड़ दो, अस्मा ये बोल रही है मैंने 2 साल से शक्ल नहीं देखी, तुमने कत्ल कर दिया ये। मैंने कत्ल कर दिया, मेरा बेटा कहाँ गया? मैंने अगर कत्ल भी किया है किसी का तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो जज ने क्या डिसीजन दिया? तो बोला कि वो वहीद यहाँ नहीं है, पंजाब में है। मैंने कहा जी 2 दफा कॉल आई, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला। मैंने कहा 2 दफा कॉल आई है लाहौर से। क्या हुआ? 31 मार्च को जज ने कहा अब आप लाहौर जाएं, पंजाब की कोर्ट में आप पिटीशन दायर करें, आपको यहाँ से बच्चा नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, कराची आ जाए तो ये पूछना चाहूंगी अस्मा कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्मा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह। आप मेविश की नंद है? जी होती थी कभी, लेकिन इसने कोई नंद वाला पावज वाला रिश्ता रखा ही नहीं है हमारे साथ। एक सेकेंड, आप क्या कहना चाह रही हैं? दोबारा बोले आप, होती थी का क्या मतलब है? अभी तो तलाक नहीं हुई है, अभी तलाक नहीं हुई है, लेकिन इसने 2 साल पहले हमसे सारे ताल्लुक रिश्ते सब खत्म करके ये अपने शौहर को लेके जा चुकी है हमारे पास से। क्या? अच्छा चले, उनका बच्चा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मुझे बताएं। हाँ मुझे प्लीज पूरी कहानी आप मुझे बताएं। नहीं 2 साल से 3 साल आई थिंक इसको हो गए। जून में इसकी शादी हुई थी 2011 में आई थिंक, पता नहीं 10 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है। अच्छा तो इस तरफ ये 2 महीने रही है हमारे साथ। आपके घर में? नहीं मेरे घर में नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर है जिन्होंने हमें, हमारे माँ बाप की डेथ हो गई थी बचपन में। ठीक, तो हम छोटे छोटे थे, हमें हमारी सिस्टर ने पाला, उन्होंने ही हमारी शादियां की, उन्होंने ही हमारी देखभाल की, तो उन्हीं के घर में इसकी शादी होके आई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद ये 2 महीने तक जो है वहाँ रही है, इसमें फिर लड़ना झगड़ना इसका जो है वो हम लोग मना करते थे। भाई किधर है? भाई किधर है आपका? चलिए ये आपने बुराई कर ली, खैर है, अब आप बता दें बच्चा किधर है इनका? मुझे नहीं पता कि कहाँ है वो, क्योंकि 2 साल हो गए हैं मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। इसको मैंने फोन किया था, मैंने कहा मुझे मेरी भाई से बात करवाओ, इसने मुझे बेइज्जत कर दिया, उसके बाद मैंने कॉल नहीं की। मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल इनके खिलाफ है, क्योंकि इसने अपनी बहन को हमारे घर भेजा था पैसे लेने के लिए। इसकी बहन ने आके बहुत गलत गलत हरकतें की, कपड़े उतार दिए इनका, मैं घर में थी। झूठ आप कम बोल लो। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए आपके भाई से आपकी बात हुई है? नहीं, 2 साल से आपका भाई लापता है, आप नहीं ढूंढने निकली? आपको भाई का ही नहीं पता? आपके भाई का नहीं पता? मुझे नहीं, मुझे कोई पता नहीं है वो कहाँ है, इसने ही आके हमें बताया है। कभी आपको फोन भी नहीं किया भाई ने? नहीं मुझे नहीं किया फोन। इसी के पास है बच्चा। अच्छा आपको फिक्र भी नहीं अपने भाई की? बिल्कुल पता करवाते। मुझे जब भाई ने और भाभी ने ठीक है अगर आपको फोन नहीं किया, क्या आपके दूसरे भाई बहनों को फोन किया, उधर से पता चला कि अच्छा हाँ खैरियत पता चलो, आपकी अगर बातचीत नहीं है, आपको फिक्र नहीं है जो भी है, तो आपको दूसरे बहन भाइयों से पता चला कि आपका ये भाई खैरियत से है या कहाँ है या क्या कर रहा है? कोई वो नहीं है। जब मेरी बड़ी सिस्टर इनके घर गई थी, मेरी बड़ी सिस्टर मिलने के लिए इनके घर गई थी, क्योंकि ये अपने माँ बाप के घर पे रह रही थी उसको लेके,
जब बड़ी सिस्टर गई इनके घर पे तो उस वक्त इन्होंने उसको भी हाथापाई उसके साथ की, उसको मारा पीटा और वो वापस आके उसको धक्के दे के घर से निकाला इन्होंने। क्यों रहे वो वापस आके उसके बाद फिर वो भी नहीं गई ना। अच्छा मैं ठीक है, मैं इस बात को अगर हम साइड पे रखें, अगर अस्मा मैं आपसे सिर्फ इतना सा ये सवाल करना चाहूंगी जो आज यहाँ पे पूरी आवाम और हम सब यही जानना चाहेंगे कि आपका भाई जो है वो कहाँ है, आपको पता है कि अब्दुल वहीद कहाँ है? मैम मुझे नहीं पता। सारी बहन भाई, अच्छा एक सेकेंड, आपके जो बाकी बहन भाई हैं उन लोगों को पता है, उन लोगों से आपकी बातचीत है या उनसे भी आपकी बातचीत नहीं है? नहीं मेरी बातचीत, देखिए मेरा बड़ा भाई होता है पंजाब में लाहौर में, उनसे बातचीत है? आखिरी बार उनसे कब बात हुई आपकी? उनसे मेरी बात हुई जब इसने आके बोला कि भाई तुम्हारा भाई जो है मतलब मेरा शौहर जो है वो लेके बच्चे को चला गया। ठीक है, ये कब की बात है? हमें पता चला, हमारे जहाँ जहाँ जानने वाले थे हमने सबको फोन किया। अच्छा तो किया आप लोग? पूछा कि भाई क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चों वाले हैं। सही, तो इसी बात पे मैं पूछ रही हूँ ना अस्मा कि आपको फिक्र नहीं हुई कि आपका भाई किधर है या कहाँ है या अपने बड़े भाई से जो पंजाब में है? लेकिन फिक्र हो रही है, लेकिन हमें टेंशनों से मतलब आपका भाई क्या बच्चा बेच सकता है अपना किसी को? जब भाई ने मरना जीना खत्म कर दिया, जब भाई और इसको जो है इसने भाई को ऐसा कर दिया कि भाई बहनों के घर बर्बाद करना शुरू हो गया, तो फिर भाई से क्या ताल्लुक रखे हम? क्या ये कैसी बात कर, ये कैसे आप कह सकते? ये बात कर रहा है कि मेरी बीवी की बात ही नहीं करो, मेरी बीवी जो है बस रहने दो, और बीवी कह रही है कि तुम अपने बहन भाइयों से नहीं मिलो, तो फिर हमने भाई से क्या ताल्लुक रखना है? ये जब बीवी खुद कमा के आपके भाई को भी पाल रही है, भाई की औलाद को भी पाल रही है, क्या करती है बीवी, क्या करती है? इसको तो कुछ भी नहीं करना आता ना, ये पढ़ी लिखी है। आपका भाई तो ड्रग एडिक्ट है, वो क्या करती है? ये वो क्या, आपका भाई तो नशा करता है, आपने क्यों नहीं दोनों बच्चों को संभाला? भाई को भी संभालती है और उसकी बीवी को भी संभालती है, वरना शादी नहीं करती है, गलत बयान नहीं करती। पैरों तक को हाथ लगाए थे कि मैं भी बैठ जाओ यहाँ पे, तुम्हें जो चाहिए अगर तुम्हें तुम्हारा शौहर नहीं देगा तो हम तुम्हें देंगे, जैसे भी करे करके दे तुम्हें देंगे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्यों देंगे? शादी भाई से इसने हमें जूतों से भी बदतर जिंदगी जो है ना इसने हमारी कर दी थी, और आखिर लेके चली गई उसको। जब आपके भाई ने से बात की थी कि मुझे बच्चा बेचना है, ये बात आपको पता चली थी? नहीं मुझे नहीं पता चली। आपकी किसी बहनों ने आपको, किसी आपकी जो बड़ी बहन है उसने आपको ये बात नहीं बताई थी? आप बहने नहीं, मुझे नहीं बताई। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इतनी देर से मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, अभी आपने मना कर दिया था कॉल करने उठाने पे, ठीक है कि कॉल पे आने पे मना कर दिया कि मैं लाइव कॉल पे नहीं आऊंगी, अब क्या आप पे नहीं, क्या नहीं, मना नहीं किया था, मैंने मना नहीं किया था, क्या? मैंने उनको, आपने तो कहा मैं जानती नहीं हूँ, आपने तो रिफ्यूज कर दिया, तो एकदम से आप कॉल पे कैसे आई? मुझे तो सबसे पहले ये पूछना है आपसे। अच्छा अस्मा साहिबा, मैंने आपसे ये पूछना है कि आपने अभी मना किया मेरी टीम को कि मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये मैंने बात बोली सबके सामने अभी, और फिर मुझे अफकोर्स मैं 2 साल से नहीं जानती हूँ, ठीक है मैं 2 साल से इनको नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता, उल्टा मेरे पे केस कर रही है, कोर्ट में जा रही है, तो मैं ऐसी औरत को क्या करूंगी जान के? उसकी औलाद खो गई है, आप बहन है सगी, तो यहाँ पे पास जाएगी? हम तो यहाँ औलाद के लिए, औलाद खो गई है, अगर आपकी औलाद को कोई आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? लेकिन मोमिन इनसे भी पूछिए क्या इनका कोई पॉइंट है? आप पूछिए, आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या समझती हैं कि सारे मसले की वजह क्या है, आप क्या इसमें आप समझती हैं कि जिसका बच्चा खोया उस माँ का भी कोई दखल है? क्योंकि ये तो सामने आया है ना कि ये खानदानी झगड़ा है, क्या मसला हुआ है, क्या बात है? देखिए जब 3 साल से मुझे तो ये भी पता नहीं है कि इसका कोई बच्चा भी है कि नहीं है, तो क्या मुझे तो ये भी पता नहीं है, समझिए घर पे ले जाता रहा, ये कौन है, ये कौन है अस्मा, ये कौन है, ये एक माँ का बच्चा है ना, ये कौन है? उसने मेरी बात सुने, आप ये बात कर रहे हो, जब उसने मिलने मिलाने से ही तलाक अल्की कर ली तो फिर मैं हम क्या करें? तो आप इतनी बड़ी बात बोल दोगी कि अभी आपने तो बोला मैं भी बच्चों वाली हूँ और आते ही बोल रहा कि हमें क्या पता? मैं एक बात जरा सा मोमेंट करना चाहूंगा। जी जुनेद भाई अस्मा जरा बात सुनिए, जुनेद अकबाल बात कर रहा हूँ, अस्मा जरा बात सुनिएगा, जुनेद अकबाल बात कर रहा हूँ मैं, एक बात मुझे आप बताइए, चले मैं आपकी सारी बातें इस वक्त, जाहिर पूरी दुनिया आपकी बातें सुन रही है और आपकी अपनी जो रिजर्वेशन होंगी, मुमकिन है आप सही हो, ये सही हो जो आप कह रही हैं, मुमकिन है इसमें सदाकत हो जो ये कह रही हैं, मुमकिन है ये गलत कह रही हूँ, मैं इस बात को इस तरह से नहीं लेता, लेकिन एक बात मुझे आप बताइए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाज़िर जान के,
अगर मिसाल के तौर पे इस बच्ची ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत गलत किया, आपका बड़ा दिल दुखाया, आपके भाई को अलग कर दिया, मैं कहता हूं तमाम गुनाह इसने किए और ये गुनाहगार है, ये मुजरिम है, उसके बावजूद सिर्फ 1% में आपसे सिर्फ बात वो कर समझाना चाहूंगा या समझना चाहूंगा कि मर के हमें अल्लाह को तो जवाब देना है ना, आखिरत में हमें अल्लाह को जवाब तो देना है। मुझे एक बात बताइए, एक माँ की ममता इस वक्त जो है वो प्यासी है, क्या आप बड़ी बहन की हैसियत से या माँ की हैसियत से सामने खड़े होके इसको माफ करके, इसके सर पे हाथ रख कर दोबारा इसको कबूल करके इसके बच्चे के लिए तकादा नहीं कर सकती जिसकी वजह से बेचारी तड़प रही है और मर रही है? देखिए भाई, मेरी एक बात सुने, देखिए मैं इससे मिली भी, ठीक है, जब ये वाकयात हुए मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको अपनी मेरे, हालांकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल इनसे जो है वो मुझे बात करने के हक में नहीं है कि मैं इनसे बात करूं, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से, मैंने इसको बताया भी कि मैं अपने हस्बैंड से चोरी आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, ठीक है, इसको ये बात मैंने बोली भी, ठीक है, बहन के घर से मैंने बुलाया। अच्छी बात है, नहीं आपकी गुफ्तगू से मुझे पता चल रहा है, आपकी गुफ्तगू से मुझे पता चल रहा है कि आप एक समझदार खातून है। और देखिए मैं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये, अस्मा मेरी बात सुने, मेरी बात जरा सुनिएगा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि घर बिगड़ने से बेहतर ये है कि घर को किसी सूरत में बनाया जाए, मसाइल को हल किया जाए। और आप, मेरा ख्याल है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप बहन बन के नहीं, इस वक्त माँ बन के सोचें और माँ इनकी माँ बन के सोचें, बच्ची की। मैंने माँ बन के इससे बात की थी, मैंने कोई और रिश्ता नहीं बनाया था, माँ बन के माँ बेटे वाला रिश्ता बना के इसको बेटी बनाया था, ठीक है, लेकिन इसने इतना बुरा किया और जो भी किया, ठीक है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि इसका बेटा हम इससे दूर करें, वो करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते। बेटा है, ठीक है, बेटा है। एक मिनट, एक मिनट, देखिए समझदार खातून है, मैं आपको एक बात बताऊं, मसले को उलझाने की बजाय इनसे ये दरखास्त करें कि ये आपके साथ इनकी इनकी दस्ते राज बन जाए, इनकी सपोर्टिव हो जाए। बच्चा कहाँ है तो बेहतर होगा कि आप खुद हेल्प कर दें बजाय कि ये पुलिस तक मामला जाए। हेलो अस्मा, अल्लाह की रजा कीजिए, अल्लाह की रजा। कौन बोल रहे अस्मा? मैं अपने नाम नहीं, आप ऑनलाइन है अभी? हाँ जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी जी बोलिए। एटलीस्ट आप लोगों को कुछ चीजें ऑनलाइन आने से पहले कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। चीज है ब्लैकमेलर, ये पहले भी एक कर चुके हैं और मैं, मुझे मोर देन 100% यकीन है कि ये इन दोनों मियांबीवी की ही कोई ड्रामा है ये वाला। ये पहले भी एक ये कर चुके हैं, एक अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये अटेम्प्ट कर चुके हैं ब्लैकमेलर। आप कौन बोल रहे हैं? आप अस्मा के शोहर बात कर रहे हैं? जी। अब फाइनली ऑनलाइन नाम नहीं लें, आप गलत कर रहे हो, ये नाम आप ऑनलाइन नहीं लें। अच्छा ठीक है, नहीं, लेकिन देखें वो अस्मा से बात करें, ये अब ये बिबला वजह कई और बात, देखिए मेरा अपना कहना है, अगर कोई गलत बयानी, अगर ये ब्लैकमेल कर रहे, बकौल आपको मौका दिया कि आप अपनी साइड वर्जन बताएं। और सेकंडली अगर ये ब्लैकमेल कर रहे, फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताइए उनको क्या फायदा, ये पैसे का तो तकाजा कर ही रहे, तो अपनी औलाद मांग रहे हैं, पहले ब्लैकमेल किस चीज की हरकत की, पैसे थोड़ी मांग रही है। मैं आपको बात बताता हूं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, हमारा जो है वो सिंपल सी चीज है कि पिछले 2 साल से मुझे तो ये भी नहीं पता, लिटरली स्पीकिंग, कि अगर एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे ये भी नहीं पता है कि इनका कोई बच्चा है। इस हद तक लातअल्लक हूँ मैं इनसे, इस हद तक लातअल्लक हूँ। I'm really shocked. मैं इनकी बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे तो आप, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे तो हैरत इनकी आईडी पर है। मैं आपको बताऊँ जिस तरह का इनका फैमिली स्टेटस है और जिस तरह से अब्दुल वहीद का स्टेटस मैं देख रहा हूँ, मुझे मतलब मेरा माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि अस्मा के शौहर हैं। ये पढ़े लिखे साउंड कर रहे हैं, मतलब इतना इतनी साउंड गुफ्तगु जो है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस फैमिली, क्योंकि हो नहीं सकती, ये शौहर है आपकी नन के, ये वो पहचानती हूं के सगे भाई है अस्मा के कि नहीं, ये भी बता दें। आप देख रहे हो एक साइड की पिक्चर, जी जी, अच्छा आप दोनों साइड की पिक्चर देखें ना, उसके बैकग्राउंड। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे क्या बोले क्योंकि इस वक्त आप हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं या हम इनकी बात नहीं समझ पा रहे, ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको जो बात कह रहा था, जो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी, चलो इनके आपस के हैं मामले, दोनों जो भी मामले हैं, ठीक है, जो भी घरेलू मामले हैं, ठीक है, वो सारे अलग कर लें। सिर्फ यहाँ पे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चा है इसका, बस इसको वापस कर दे, इसका बच्चा किसी तरह से। देखिए मैं वही बात अस्मा से कर रहा था, वो बात बीच से कट गई। आप अस्मा को पहले ये समझाएं जी कि आप अल्लाह की रजा के लिए हमारे साथ आए और आप एक माँ हैं, उनको दोबारा लाइन पे ले, उनको कन्विंस करें। हम करेंगे, हम इनके लिए भी बात करेंगे, हमारे पास टाइम यहाँ पे प्रोग्राम का ये
जो शो है ये टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसको हम अभी खत्म करके ही जाएंगे, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इस का हल निकालेगा, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया। मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगी अपनी टीम को, प्लीज कहीं कोई मत जाए, हमें आप लोगों से खुदाफिस करना होगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस मसले को हल करके उठे, दोबारा हम उनसे कॉल पे बात करेंगे और पूछेंगे। मैं सिर्फ जाते जाते ये देखना चाहती हूँ कि ये है वो बच्चा अस्मा का, ये है वो मेविश का बच्चा जो एक महीना और आठ दिन से खोया हुआ है, एक माँ अपने बच्चे से जुदा है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कहीं ये दिखे, ये बाप है, आपको ये कहीं नजर आए तो प्लीज हमें जरूर रिपोर्ट करें। किसी तरह से भी आप मदद कर सकते हैं हमें जरूर बताएं। कोई बंदा वहां, अल्लाह का कोई बंदा बैठा है जो इस तरह से जो हमारी पूरी बात सुनिए, जो हल इसका निकाल सके, जो हमारी मदद कर सके, जो लाहौर में बैठे हैं लोग वो जो हमें देख सक रहे हैं, हमारी मदद कर सके, अगर नजर आए तो प्लीज हमें जरूर हमें रابطہ करें। हम चाहेंगे कि एक माँ को उसका बच्चा मिले, एक माँ को उसका बच्चा मिले। बस और ये भी लोग बताइए, जेन्युइन केस है, जिस तरह से चैनल्स पे जो फेक केसेस हो रहे होते हैं, बिल्कुल ये फैब्रिकेटेड केस नहीं है, बताएं लोगों को ये जेन्युइन 110% ये बता दें, क्योंकि ये एक परसेप्शन मॉर्निंग शोज से मिल रहा है कि जी फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं, उसको लेके बैठे होते हैं और उस पर ट्रू स्टोरी है, तो ट्रू स्टोरी है, लोगों को बताएं कि जेन्युइन केस है और जेन्युइन विक्टिम बैठे हैं सामने। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे आपसे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जो है यहीं पे बैठ के हम जरा इसको केस को मामले को हल करें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बहुत ख्याल रखिएगा।